something on my mind and it keeps hurting me. You've been treating me like I have been your enemy. You are something I don't want to have. A million problems inside of my head. This is something I cannot forget. Another love. You're a needle in my...
there's something on my mind and it keeps hurting me. You've been treating me like I have been your enemy. You are something I don't want to have. A million problems inside of my head. This is something I cannot forget. Another love, you're a needle in my... हेलो हेलो हेलो। हाँ ब्रो, कैसे हो भाई? हम तो देख, अभी जरा गेम पे देख के पता चले जाएगा कैसा है। ठीक है, द फक इज दिस आंसर ब्रो? यस ब्रो, जैसा गेम प्ले वैसे। हाँ, अभी वो तेरे पर को डिसाइड करना। ये तो टट्टी है ब्रो। फिर हाँ, तो हम भी टट्टी है आज के लिए। ठीक है, परमानेंट, जस्ट फॉर वन डे। मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है यार, बिल्कुल भी। हाँ अरे प्रैक्टिस करके भी क्या हगना ब्रो, ऐसे ही हगे। वो अच्छा है ना, रीजन तो मिल जाएगा भाई। प्रैक्टिस नहीं करी थी, सही है ना? ये अच्छा आइडिया है। और क्या। ये है कौन? हेलो टीजी टी, है पता नहीं अभी कौन है टीजी के, कौन है ब्रो। वैनम टीजी। हेलो, हु इज देयर? मारियो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करनी है। मारियो, आ गए। टीजी बैन लगा क्या इसका अभी भी? पता नहीं भाई ये कैसी ए, आवाज आ रही है हमारी, वो वॉइस चेंजर लगाया है इसने। समझ नहीं आ रहा ब्रो। टीजी, अरे जब जाना किधर? जॉर्ज स्प्लिट या ब्रिजन? प्रिजन तो पहुंचेंगे नहीं ब्रो। जॉर्ज भी पहुंचेंगे नहीं हेलो, ब्रो। हेलो टीजी, कैसा है? रेस्ट इन पीस ब्रो, आर आई गुड पी। मॉर्निंग, क्या रेस्ट रेस्ट इन भाई, पीस। जिंदा हो वो भाई। पीस है, टुकड़े वाला नहीं भाई। पीस है कि शांति में रहो, भाई ऐसा। मैं वैनम नाम क्यों नहीं चेंज कर सकता, व्हाट्स द रीजन? उसका रीजन यही है क्योंकि वो टीम में फिक्स नहीं है अभी, इसीलिए। और मारियस को ऐड क्यों किया ब्रो ग्रुप में? अरे मुझे पता था यू गाइस डोंट प्ले,
मैं ही ऐसा बेवकूफ हूँ, मैं ही बेवकूफ हूँ जिसने ना टीम पे फिक्स होने से पहले नेम चेंज कर लिया था, ठीक है। बाकी कोई नहीं करता है, 180 यूसी बिगाड़ने वाला कोई नहीं करता है ब्रो, कॉन्फिडेंस होता है। हाँ मैंने बोला भी था मत करो, ठीक है कर दिया था भाई तूने बोला तब तक तू, और उसके बाद क्या अभी मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था ना, That's okay bro. मेरा भी यही सेट हो रहा था, मैंने मिस स्टिंगर वाइटी रखने का ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ भाई। तुम कौन सा यूट्यूबर हो भाई? देख्स पीजी, मैं मीरियो स्पीड की ना बहुत अच्छी जमती है, ठीक है। इमोशनल डैमेज है भाई ये तो, स्टिंगर भाई दोस्ती निभाते भाई नहीं चलेगा ये, ठीक है। मजा नहीं आएगा बोल दे। It's emotional damage right there. Yes. फिलहाल के लिए गाड़ी नहीं दिख रही है, वो डैमेज हो रहा है। मैं जा रहा हूँ बाइक लेने, ठीक है। Cool. एक टीम कंटेनर चली गई, सिटी में कोई नहीं आ रहा। Okay. मेरे आसपास कोई नहीं, मैं यहाँ पे लूट कर क्या होगा फिर? और वहाँ पे एक बग्गी पे बंदा उतर रहा है ओपन में बग्गी लेने के लिए। नहीं तुम लोग अलग हो, मैं अलग हूँ। मैं तुम लोग मरने आऊंगा ना तब देखना, एक या दो बंदे वॉचिंग है कि देखना। मरने आऊंगा ना तब देख रहा था ना क्लासिक्स, कल मैं तेरे क्लासिक्स देख रहा था, 4K वॉचिंग तो थी और क्या चाहिए। हाँ ना मैं मर रहा था इसलिए तो वॉचिंग कर रही थी, तूने वो नहीं देखा। वो अलग बात है, कंटेंट से मतलब है, मारो या नहीं मारो, कंटेंट कंटेंट। मैंने कल ना भाई, कल मैं पता है बहुत थक गया था भाई, मैं घर पे बैठे बैठे थक गया था मैं वैसा ही पबजी से थक गया था। हाँ ब्रो जिंदगी से मत थकना अभी, वो तो पहले से थक चुका है, शुरू भी नहीं हुई बट थक गया। हाँ थकान इज ओनली वी हैव टू। वो न्यूज़ देखा होगा ना आपने, वो कैलिफोर्निया वाली नर्स क्या हुआ? नहीं क्या देखी जो अपनी जो अपनी जो अपनी लाइफ से थक गई। तेरा नाम आ रहा क्या? थक गई थी अपनी लाइफ से, मतलब थक गई थी अपनी लाइफ एंड करने चली, 6 बंदों की कर दी, अब वो बच गई। व्हाट द फक, क्या क्या किया 6 बंदों का? गाड़ी एक्सीडेंट, मतलब सीधा ठोक दी उसने जाके। इसे कहते हैं किस्मत, ठीक है। कौन कौन बोल रहा भाई? ओए तू मैनेजर है मेरा? हम कोई भी रैंडम कमेंट उठाएंगे एंड देन ओए मैं सीधे आके झपट मारूंगा, ठीक है? उल्टे हट के नहीं, क्या बोलूं साले भाई, एक बार बोल तो दे, बाद में करना है कि नहीं करना है, मत करना, वो तो तेरी मर्जी। नहीं मैं 1K पे करूंगा, स्पॉन्सर इश्यूज हो रहे हैं। ओए साले नहीं नहीं मैं करूंगा, मैंने मना नहीं किया है, आई विल डू, बट 1K हो जाएंगे ना तब 25 या 20 करूंगा रॉयल पास के लिए। उसमें भी क्या कंजूसी भाई जी, पैसे तू दे रहा है ना, ठीक है फिर मैं 100 कर देता हूँ, तू दे रहा है तो। ब्रो इन दैट 20 आई नीड वन, क्या बात साला, गांव बसा नहीं दिखा रहे पहले आ गए ब्रो, पहले आपको साई लगा दी है ब्रो भाई, ये तो रजिस्ट्री थोड़ी ना चल रही है, रजिस्ट्री करवा दिया ब्रो, कुछ फायदा होना चाहिए ना ब्रो, चलनी भी तो चाहिए रजिस्ट्री, बाद में करवाइए चालू तो फायदे से मतलब है। ये भी ठीक है भाई, यहां पे एनर्जेटिक की दुकान लगी है अभी ना, रॉयल पास लिए हुए थोड़ा। अच्छा काफी साल हो गए सिल्वर से पड़े हुए, अभी तो तब खुशी होती थी भाई, अभी नहीं होती देखने पे भी रॉयल पास को। ऐसा तुम खेलते भी हो पैसे, खेलते भी हो पहले खेलते थे, अभी खेलते ना, फिर रॉयल पास क्यों लोगे?
Why not? रॉयल पास ले ले के जरा अभी तो बढ़ती नहीं है फ्लैश साइड में मिल जाए एक्सीलेंट वर्क लेट मी हाइड इसको अपने पास से कुछ परवाह ही नहीं है देखो इसे कहते हैं सत्य लौंडा पोस्ट हो गया कि उसने बोला कि वो बिजी है भाई मैं पक्का बोल रहा हूं अभी भी तारक मेहता देख रहा था गारंटी बोल एक्चुअली भाई मैं उनको देखना है मिस्टर मिनाटो क्या बोलने वाले हां ऐसे बोला टीवी देख रहा है ना तो ऐसा 5 मिनट पहले ऑनलाइन था 5 मिनट पहले भाई ब्रो या फिर ऐसा लगा खाने चला गया डिनर का टाइम होगा वो दे देगा वो बना दे देगा पक्का भाई 6 बजे कौन सा डिनर ये 6 बजे नहीं भाई तुम्हारा साथ 8 है भाई वो मैंने खाना खा लिया इसलिए वरना अभी मेरे को भी चिल्ला रहे होते आ गए खाने आ जाए फोन तोड़ देते मेरा क्या बात है हां भाई डेंजरस है ठीक है कौन मेरी मम्मी मैं भाई मैं आज स्टिंगर गन ओए स्टिंगर गाड़ी क्या गाड़ी है तेरे उधर हां जी है ना 3x पड़ा है यहां पे किसी को चाहिए तो फ्री में हां हां किधर 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 मेरे पास है ओके Hello. Hope that 3x will be in better hands. समझ आ रहा है मेरे को. रेस चल रही है. क्या आया भाई? मैं पिकअप कर लूँगा. Trying to. जीत गए. कोई ना कोई. आजा. अरे यार गैस कैन नहीं मिला. गैस कैन है यहाँ पे है. उसी घर में है. है किधर? यहाँ पे एक्सटेंडेड पिकटर पड़ा है पिचकारी सॉरी यूएमपी पड़ी है क्या यूएमपी पिचकारी क्या हाँ मैं पिचकारी बोलता हूँ यूएमपी ये M16 मार्क करे ना M16 ये रहा गैस का फ्यूल बैटरी पैक है भाई बैटरी पैक क्या है होता है वो भी टेस्ला को भी चार्ज करता है ये एक्सेलेंट वर्क दिमाग तो है नहीं है दिमाग फिर भी है चलो बे 3x कहाँ है 3x इधर नीचे पड़ा था ना पड़ा उसमें हो गया भाई साफ हो गया अभी छोड़ नहीं ब्रो है ओके मैंने तो नहीं उठाया वो तो मेरे मार्क पे एक बगी है एक्स्ट्रा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बगी मेरे लगा मेरे को डांस करना चाहिए ओए अपने टाइम में अपने सामने से रोटेशन हो रहा है स्क्वाड हाउस में में डांस आई है राइट साइड स्क्वाड हाउस वो उसमें हाँ पैसे कहिए अभी मार रहा है क्या तो तू उधर से क्यों जा रहा है स्टिंगर व्हाट द फक देखा स्प्रेड शिट बिल्बर हाँ देखा क्या भाई पबजी बीइंग पबजी टीवी का ज़्यादा साउंड तो नहीं आ रहा आ ही नहीं रहा ज्यादा कुछ नहीं है आवाज ठीक है अरे बंदा जो इधर रुका मेरे थे कहाँ रुका आ ही रहे ऑरेंज पे बंदा है क्या राइट आचार में कंपाउंड पे नहीं नहीं ओपन है शायद वो तो कभी रोएंस क्यों नहीं देखे रोएंस ही गए रोएंस गए ये वाली जगह पर रुकना रिस्क से खाली नहीं है कैन यू चेक इट स्पिरिट रूइंस में कोई दिख नहीं रहा मुझे ब्रो फैंसी शिट हुई नहीं है कोई रूइंस में खाली लग रहा है खाली Can you hear me? Yes, yes. Yes. It's only food. Loot low. मैं चार्ज पे रुकूंगा। हाँ रुको। या या। Maybe I need one more person with me on charge. You don't, bro. You good. Mario side का hold कर लो। Hold that side. Or I will hold.
सर्च पे आऊं तेरे पास? नो नो नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है पूरा। वी आर इंग्लिश कॉम्स आर रियली टफ ब्रो। यस यस काइंड ऑफ ब्रो, व्हेन यू आर यूज्ड टू हिंदी कॉम्स। हम्म, कोई कमीरा प्रॉब्लम हो रही है बेनम के साथ? या ब्रो मी टू। मैंने तुम लोगों के साथ इंग्लिश शुरू किया, आई मीन हिंदी शुरू किया, एंड देन नाउ स्विचिंग बैक टू इंग्लिश इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। आई एम फाइन। हिंदी वाज द ओनली रीजन व्हाई दिस टीम वाज हियर। ओके, कैसे हो फलक नासर? आई एम बढ़िया है भाई। हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। गिव अवे वन एवल एट द एंड ऑफ द मंथ, प्लीज ड्रॉप। इसको पता है ये फलक नाज है ना, ये चैनल का सबसे पहला सपोर्टर था। जब मेरे ना कुछ 35 या 40 सब्सक्राइबर्स थे ना, तब से ये बंदा सपोर्ट कर रहा है हर रोज आता है। सपोर्ट कर रहे हैं हमें भी याद रखना। हां ब्रो, ठीक है, वी हैव आल्सो सब्सक्राइबड यू। ओके ब्रो, ओके, सपोर्ट सब्सक्राइब। मारियो तूने किया है? That's why your subscribers are over 160 now, bro. नहीं, मतलब 3-4 subscriber इधर से एक साथ मिले ना। हमारी वजह से थोड़ी ना चेंज करते रहो subscriber। अगर वो शाना है तो हम उससे भी ज्यादा शाने हैं ब्रो। हर कोई तेरे ऐसा नहीं होता ना भाई। मेरे को चेक करने दो जरा वाटर शेडी का एरिया। ये तो ऑलमोस्ट सेम जोन बना है, एक दिन पहले भी बना था याद है? या बट इस बार हम कुछ डिफरेंट करेंगे। आजो बेस का कंट्रोल लेने ना, मजा आ जाएगा। हां हमें ये लाइक एटलीस्ट हमें स्क्वाडस लेना एटलीस्ट। भाई हमारे व्हीकल को एक टच चाहिए। तुम मारे में कुछ बग्गी दो जल्दी जल्दी, ये नहीं गिव मी द बग्गी, ये निकालने तो दे। ओके सर, क्यों अटकाते हो स्पीड? हां आप चला लिया करो। Damn you, TG. Wait on work. Accent साला ऐसे निकालता है ना, ऐसे लग रहा साला जन्म ही यहाँ पे है। ये उसको वैनम की बहुत आ जाती है स्टिंगर को। क्या? मैं कहाँ बोला वैनम भाई? ऑन एम स्ट्रेट है ब्रो। है पैंट कौन निकालता है ब्रो? तू? मैं एक्सेंट निकालता हूँ। हाँ। Canadian accent? Take that's what you're talking about? अरे ब्रो बचपन से भाई। वाह, this is desi accent ब्रो। आजाओ गाइस, गुड मॉर्निंग। बंदे बड़े दयालु हो रहे हैं दिख रहे। जाओ जाओ स्क्वाडस में जाओ। Marked a location. अभी अभी नहीं, अभी ओपन में जाने का कोई। क्लियर है, क्लियर है। वॉच आउट। अच्छा वो बोल रहे हो? नहीं वहां वहां से पड़ रही है। कैन यू जस्ट सी माय एचपी गाइस? ओए उधर से पड़ रही। भाई बोला ना पड़ रही उधर से। पार्ट्स नहीं थे इसकी कार ब्रो, उधर स्टिंगर की है ब्रो। मैंने मैंने रखा स्टिंगर और स्टिक दिस फिंगर ब्रो। क्या भाई? कुछ नहीं। ओके, मिलिट्री कैंप में बैठे हैं। हाँ इधर है, किधर? मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। दिख गए जी। कितना मैच होता है अभी? प्रॉब्लम ऑफ सेट्स।
3 technically. इस बंदे का नाम क्या है यूट्यूब का भाई? किसी का भी कोई यूट्यूब चैनल नहीं है भाई, इट्स ओनली इसके वो कौन सा बंदे तेरा तेरा है तुम लोग मारियो 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 ड्रॉप योर स्ट्रीम लिंक मारियो भाई तू करता है नंबर पता है नहीं नंबर नंबर 2 नंबर 1 नंबर 3 भाई कौन सा बंदा बोल रहा है मेरे को पता है टीकी तो नल्ला है ठीक है वो तो कुछ नहीं करेगा स्पेड बिजी रहता है बहुत मारियो का पता नहीं मारियो का अलग है 1.5 ओ मारियो जरा नहीं पता थोड़ा 50% ट्रांसफर करे रात में डीएम करे ना ये करो वो नहीं करना स्टिंगर के वो स्मोक क्यों करके बैठे हैं उनका राइट लेफ्ट साइड से देख यहाँ पे बंदे हैं पीछे से बंदे आएंगे देख के यस विनाटो ने डिजर्शन दे दी इन लोगों को पढ़ रही है क्या कुछ ज्यादा स्मोक किया लोगों ने उनके ऊपर बंदे आ गए ऊपर नीचे सब बंदे आ गए वॉच आउट कुछ हो रहा है Watch out! Turn it on. Let go, haram. Sap to be. Recipe करेगा. पीछे से कोई आई नहीं है. हम जावांगे क्या आगे नहीं आता लास्ट में नाम टूटा ना ज्यादा अच्छा रहता पता मैं घर चेक कर रहा हूँ ऊपर वाला कोई नहीं है ओके तुम लोग लो मैं आता हूँ पुश करके अभी मारूंगा ओह शिट गैस कैन ब्रो जल्दी आओ किधर है बंदे बोले मारियो भाई तुम आओ तो सही तुम लोग इधर आ रहे हैं मारूंगा तुम लोग वेयरहाउस लो ओके सारे इधर क्यों आ रहे हो वेयरहाउस लो ना मैं वेयरहाउस जा रहा हूं डायरेक्ट तुम वेयरहाउस आ रहे मैं नहीं जा रहा फिर वेयरहाउस तो मारो ना ब्रो जा रहे तो ओके स्पीड पे जा रहा हूं नीचे बंदे आ गए मेरे ओके नो प्रॉब्लम टेक इट इजी ये रॉक पे बंदा पीछे ही बंदा जिसके पीछे ओपनिंग बंदा बैठा है yeah.
मर गया क्या मारियो? वॉच आउट। नहीं नहीं मार मार। किल शूटी कर लिया भाई बंदा। किसी मार मार मार। सिविल कमांड को नॉक किया क्या उसको? और एक नॉक इधर। हेलो स्टेड किधर? बुक में मारो मारियो। ट्राई करना क्या? थोड़े और नेड़े करते हैं। मार्क का कहाँ पे किया था? ये नीचे 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 बिल्कुल पास नहीं है। फिर से पीछे से बंदे आएंगे। मारियो एमओ है टाइप का नहीं। अरे मुझे पीछे का डर है इधर का फिंगर। हाँ 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 अभी 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 से आगे वालों को फिलहाल के लिए रुक जाओ। तुम लोग पे एमओ है 45 सीपी है स्वयं 45 का मैं थोड़ा सा दे सकता हूँ। इजी तुम लोगों पे जोन है ना? तुम लोग आराम से जा सकते हो जोन। हम पे जोन है भाई, हम पे कुछ नहीं है। तुम लोग पीछे का अपने को क्लियर करना है। तुम लोग जोन पे आके भी क्लियर कर सकते हो। 10 सेकंड्स है ना, आ जाओ जोन में। स्पीड अप गाड़ी आ जा। हम लोग जोन के अंदर पार्क करेंगे ठीक है? आ जल्दी स्पीड, जरूरत नहीं है इसमें। क्या ज्यादा बस इधर करी कर ना, ज्यादा आगे भी जा रहा है। कुछ ओपन में भाग रहा है क्या? बट एमो नहीं है मेरे पे। मारियो नहीं, मारियो नहीं, मारियो को रेस्ट कर रहा हूं। कहां पे है स्ट्रिंगर? यस तू रुक जा। ओवर शॉट मत करो फालतू का। ओके देयर इज अ स्ट्राइक। वॉच आउट। अरे लेफ्ट से उनको खत्म करना है क्या? राइट स्मोक में मैंने नॉक डाला, लेफ्ट स्मोक में और एक बंदा है। स्पीड स्पीड, ये पेड़ के कवर में रहा है। ये वाले पेड़ के कवर में रहा है। कूद गया एक बंदा। नो प्रॉब्लम। कौन नॉक हुआ? स्पीड को रिवाइव कर। छत पे, छत पे। हाँ अभी रिच के कवर में हूँ बे। मारियो इनको फोकस करना पड़ेगा। एक ही बंदा है यहाँ पे। इजी ये पेड़ पे आ। मैं बोला ये पेड़ के घर में चला जाएगा। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। सिंगर देखो आगे आगे स्मोक कर रहा है। थोड़ा स्मोक राइट कर दिया तुमने। बैठा गई। नो 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 यहां पे बंदा बोल। हां कहीं नाइस मैंने सही है। राइट में ना जोन देख। अभी स्टिंगर तो अपने घर के राइट में सेफ सूफ सेफ कूद सकता है क्या? घर के राइट में कितने गाड़ी अपने पास? इधर ही लेट, इधर ही लेट 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 के। हां मैं ड्रॉप कर रहा हूं थोड़ा भाई।
राइट पे बंदे हैं यार। ओ, मेरे पे जोन है, मेरे पे जोन है, एग्जैक्टली जोन है मेरे पे, बट एक बंदा राइट में है। वो तो बहुत राइट में था ना, तेरे को इधर इधर तो पढ़नी थी। सिंगर सिंगर इधर आना। मारियो मेरे पे आ जा। मारियो आ गया आ गया। राइट पत्थर वाला मार दिया क्या? हां मार दिया उसने। एक स्मोक डाल देना मेरे पे। स्टिंगर क्रॉल टू अस। यस वो अभी नहीं मारा उसने। वही वही तो पूछा राइट पत्थर वाला। ओह नो भाई मेरे पे। जी जी ब्रो नाइस। जी बे मारियो नाइस ब्रो। सब नॉकआउट के किल्स उठा लिया। ईबे मैंने कॉल ठीक से लिया ही नहीं। कैसे बुरा सिंगर उतना बीच में नहीं जाना ब्रो। अरे अरे सुन सुन मैं राइट में नीचे से जो बंदे थे मेरे को लग रहा था वहां पे बंदे होंगे, मेरे को पता नहीं था क्लियरली, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा राइट में नहीं गया। अगर मैं वहां पे ना बगी लगा के लेटा रहता ना तो शायद से मैं एटलीस्ट डैमेज खाता, ठीक है, बट मैं कवर में रहता। पड़ती उधर स्टिंगर। हां लेफ्ट से पड़ती लेकिन वहां पे स्मोक करता ना लेफ्ट से। मैं बचता मैं ट्राई करता। तुम्हें राइट जाना था तभी तो मैं बोल रहा हूं राइट। वो पत्थर पे तू भी चला जाता, टीजी भी होता, तुम ले लेते तुम उसको। भाई यार मैंने पता है मैंने कॉल गलत ले लिया पूरा, वो मेरी गलती है, एक्सेप्ट, ठीक है, वो मेरा थोड़ा कॉल सुनने में थोड़ा हो गया गलती। कैसी गई मैच? अच्छी गई ब्रो, और अच्छी जाती थी। हां वो हैशटैग 3 8 किल्स जी। इसलिए तुझे बोल रहा था स्टिंगर थोड़ा आगे क्रॉल करके ना राइट में देखता कि तुझे सिचुएशन क्या थी। तुझे बस इन्फो रखनी थी, जाने से पहले अगर तू इन्फो रख लेता कि हां इधर बंदा है इधर बंदा है तो बहुत इजी हो जाता। पहले सोचना चाहिए था मेरे को। ये तो दोनों वो तो जहाँ पे तू गया था ना दोनों तरफ से पड़ती तुम्हें। हाँ एग्जैक्टली। जीने नहीं देते वो तुझे। टीजी बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे गया था। एग्जैक्टली देखो तो इसने स्प्रे मार के उतारा वरना ठीक था। Mario can't play next. So get me out. वो नहीं Mario वाला वो नहीं खेल सकता next वाला। क्यों नहीं खेलता? Mario Mario खाना खाना होता है, इसको बाहर जाके खाना लाके खाना होता है। मेरा अभी एक वो problem है कि वो मेरे dad बाहर गए थे ना Georgia, वो फिर grocery लेके आएंगे ना अभी। आधा घंटे मतलब सेकंड तो शायद नहीं बिगड़ेगी बट थर्ड और फोर्थ में दोनों में से एक मेरे को ग्रोसरीज अंदर लाने के लिए जाना पड़ेगा बाहर कार में से उतारने के लिए। अपना ग्रुप कौन सा है? एक मैच तो हमारा मिस भी होगा ना बीच में। एक सेकंड देख के आता हूं। कैसे मिस हो गया? मतलब होगा। मिस होगा मतलब ग्रुप वाइज मैच चल रहे ना। अगर नेक्स्ट तो है हमारा, नेक्स्ट वाला तो खेलना पड़ेगा। थर्ड या फोर्थ शायद हमारा नहीं होगा। वो तो कब होगा फिर थर्ड और फोर्थ? मतलब तीन मैचेस होंगे एक ग्रुप के, चार ग्रुप हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट मैच में ग्रुप डी बाहर बैठा था, इस मैच में ग्रुप सी बाहर बैठा है, तो नेक्स्ट वाले में शायद ए बाहर का थर्ड मैच बैठने वाले अपन। तो मतलब नेक्स्ट में बैठेंगे हम, नेक्स्ट में तो ग्रोसरी सेट कर लेना मिनाटो ब्रो। नहीं थर्ड में बैठने वाले हम लोग नेक्स्ट वाले में। ये तो आईडी पास आ गया ना। ओ अच्छा तो अभी क्या है ये सीन? कुछ नहीं, इस वाले में मारियो नहीं आ रहा है। मारियो नहीं आ रहा। वी वांट फोर्स हिज हैंड बाय डूइंग दिस आउटसाइड व्हाट Are you insane? No, I've gone over this. This is convinced the Black Hood is a Southsider with an Instagram, which makes sense when you think about the people in the town. My dad. It's this guy. Yeah. Who's in it? 39. Brando. Yeah, but before that, she talked. Everyone. And it's right. Oh. If there's even a chance,
ब्रो मारियो मेरे साथ गाड़ी में बैठ भी जाता तो बच जाते शिट या फिर ना आप अपन एक और काम कर सकते थे एक बंदा पीछे से कार भी देता ना राइट साइड में जाते हुए तो वो बेटर रहता है अरे एंड में भी मारियो को लगा राइट वाला मर गया मारियो तो फुल मस्त आ रहा था भाई भाई हां लास्ट में पास में राइट को पता नहीं था कि दो बंदे एक ही बंदे दो थे नहीं पता मेरे को नहीं पता था ना इसलिए मेरे को नहीं दो थे वहां पे फिर एक ही था और उसको भी नहीं लगा दो थे एक तो मारा ना उसने एक तो मार दिया था उसने एक को मारा अगर मैं हकता नहीं ना तो शायद से थोड़ा ठीक हो जाता पता तो चिकन था ब्रो इजी चिकन था गारंटीड चिकन था फुल जोन का कंट्रोल था तुम लोग पे फिर हां भाई विकास बोल कैसा है हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम विकास कैसे हो भाई बढ़िया भाई बढ़िया क्या स्क्रीम्स लगा रहे हो टूर्नामेंट है ओह स्टॉप यस नहीं अभी चालू है एक मैच है एक मैच हो गया उसमें लास्ट में मैं थोड़ा हट दिया वरना होता अच्छे से #38kids भाई वो एंड में ही हक्कू होता है भाई एंड में ही हक्कू होता है क्या करूं बता अच्छा खासा पहुंच गए थे ठीक है बट लास्ट में ना कॉलेज में थोड़े से ऊपर नीचे हो गया मैंने कुछ समझा और मतलब बोल कुछ और रहे थे ठीक है और दूसरे बंदे ने कॉल ही कुछ और दिया या फिर वो भी मतलब कंफ्यूज हो गया ऐसा वेलकम टू द स्ट्रीम एंड चैट ठीक है भाई वेलकम वेलकम नेक्स्ट मैच में ट्राई करेंगे देखते हैं कुछ अच्छा खासा निकल जाए तो वैसे इट वाज अ गुड मैच 8 किल्स हैशटैग थे दैट्स नॉट बैड बेटर कर सकते थे बट थोड़ा सा हक दिया मैंने ये बच्चा है मेरा गाइस मैच हैकर नाम का माय किड भाई इसको तो मैच शुरू हुआ क्या मैच कितने टाइम बाद शुरू हुआ मैच मेरा पता नहीं टीजी कितने मिनट के बाद आईडी पास आएगा आ गया आईडी पास आईडी पास तो आ गया ब्रो 2 मिनट में स्टार्ट है ज्वाइन कर लो हां ठीक है चल मैं आता हूं फिर चला गया ओए अच्छा हां सर मैं आता हूं ठीक है बाद में बात करते हैं कोई नहीं हां जी ओके भाई बाय एक सेकंड गाइस बोलो मम्मी दवा ला रहे हो एक पुलिस फोटो लाइक वो काढ़ू जो है ना पहले साइज सेट करूँ जो साइज नानी मोटी वो करूँ जो उठ रहा है हाल लाइक ओके गाइस क्वेयर एक सेकंड गाइस
पेपर नहीं करा I'm hoping that's something you can do together, John. How do you like them pictures? Marked a location. I don't like the bitches. How many bitches you got, Miato? Miato? No, DTS, my bitch. Oh, fuck. This year, little, Hollywood. कहा जा रहे हैं? I'll go to warehouses, okay? Yes. अबे कोई मेरे को myself का ऐसे लिखवाएगा? भूल गया मैं. Myself का ऐसे? हाँ. मेरे भाई को लिख के देना है भाई. myself ऐसे कौन लिखवाता है भाई? भाई वो थर्ड ग्रेड में है. हाँ मेरा छोटा भाई. भाई तुम लिखो ना. Hello, I'm under the water. Please help. Excellent work. क्या भाई myself को भाई तेरे भाई के बारे में लिखता जा भाई. तेरा भाई क्या है? बेवकूफ है. ऐसा तो लिख नहीं सकता ना भाई. बात करता है स्कूल में बच्चों से दूसरे. हाँ टूटी टूटे इंग्लिश में कर देख टीजी. I can मैं मेरी कोई चीज़ सेंड कर सकता हूँ. ठीक है बंदे आ रहे हैं. बंदे आ रहे हैं. तुम पे आ रहे हैं? Yes. तो मेरे को देख नहीं रहा कोई. Looks like कौन से साइड पे आ रहे हो? एक बंदा एक तो location एक तो साथ में ही आ रहे हैं. वो भी घूम गया. दूसरा भी घूमा 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 राइट को. मेरी तरफ तो नहीं आ रहा ना. ऊपर भाग रहा है बंदा. शिट ब्रो ये आपको देखना. अच्छा टीजी भी बंदा आ गया. वाह ऊपर से बंदा ऊपर ओपन में भाग रहा. तेरे को गन मिली है? भाग गया बग्गी लेके भाग गया. किधर है मुझे नहीं दिख रहा. हिल के ऊपर होगा वो. I'm waiting for him in the warehouse. अभी ध्यान से रहना. कहीं भी कैंप हो सकता है हमारा. वो रातों उठता पहला मम्मी.
बंदे किधर गए वो फ्रेश मार्क्स लगाओ मैप पे आई डोंट हैव एनी देखो इधर दो बंदे ये ऊपर दो हिल पे बंदे उतरे हैं तो इधर ये घर होते हैं इधर पक्का बंदा है मेरे मार्क पे ठीक है और मैं जहां पे उतरा था वहां पर भी बंदा है इसकी टीम है यही टीम का स्प्लिट है वो हां दो बंदे हम पे आ रहे थे पर वो मतलब वापस मुड़ गए देख के ओके मेरे पे जो बंदा आया था मैंने उसके बग्गी उठा के भाग गया मैं अच्छा आप भाग गए हां ये अलग हुआ था तेरे को क्या लगा बंदा भाग गया टीजे को देख के भाई मेरा बाजू बग्गी है मैं क्यों नहीं भागूं हां मर जाने से तो अच्छा ही है नहीं टीजे नहीं 50-50 का चांस लेने से रहने से तो अच्छा ही है हां तो वो 50% में मरना ही होना भाई ब्रो इमोशनल डैमेज इसमें क्या है इमोशनल डैमेज भाई इट इज तू सीधा ऐसे ही बोल रहा है तू सीधा ऐसे बोल रहा है कि टीजी तो 100% मरेगा ही मरेगा कोई 50-50% नहीं है ब्रो हम अग्रे नो फेथ ऑन टीजी नहीं ये भी समझ गया टीजी ये भी समझ गया इसको भी असलियत पता चल गई आई गिव अप अभी बोल टीजी तेरे पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है शुक्रिया भाई लाकबिरिया कोई गया जल्दी बोलो कोई दिखा नहीं ग्लाइड करते हुए साथ में हां भाई कैन नॉट गारंटी ब्रो भाई अच्छा ना झूठ तो नहीं बोल रहा है He is only saying truth with that. I don't see any kind of hulchal over here. क्या हुआ बंदे उतरे तुमने कुछ एक्शन नहीं उधर नहीं है इधर तो मैं क्या करूँ भाई एक्शन करवाऊँ क्या रोहित चट्टे को बुलाता हूँ मैं रुक इधर बस और बग्गी है चले मिनाटो इधर से मेरे को कोई गाड़ी दिला दो भाई क्योंकि मेरे को खतरा लग रहा है भाई इधर अच्छा तो फिर होगा भाई खतरा नहीं नो वेस्ट क्योंकि वो बंदे लूट के ऊपर किल लेने के लिए ना ऊपर आ सकते हैं हिल पे पता निकलता है वो बस ले लिया उधर से अबे निकलोगे भी कहां जोन अपने पे ही है ट्राई टू फाइट मार ही देते हैं तो बेटर पोजीशन लेते हैं ना नीचे मतलब डाउनहिल से तो ऊपर जाएं ओह नेवर माइंड कोई मेरे को पिक करो भाई प्लीज नहीं फिर मैं बैक के आ जाऊं बोल मिनाटो उधर बस है बस ले लियो मैं उसको लेके आता हूं अरे अच्छा, मिनाटो कहां पे बस इधर ही सेंटर में खड़ी हुई है मेरे को बस जला रहा है भाई मेरे को बस दिला रहा है भाई ये बंदा टीजी तो इसको समझाया नहीं गया अभी तक नाटो का बस लेते ही ऑर्गेज्म होता है उसको अरे इधर स्प्रे वाली गन है क्या स्टिंगर तो नहीं है नहीं है नहीं है इसकारे के लिए स्प्रे निकलता है एक्सीलेंट वर्क जी भाई बट बर्स्ट इज बेटर ब्रो देन पिचकारी ऊपर वाला वेरस को नहीं लूटा तूने नहीं वो नहीं लूटा हां गाइस मेरी कार को थोड़ा एक लिटिल टच चाहिए सॉरी व्हेनेवर टच नहीं मिलेगा टच नहीं मिलेगा नहीं नहीं गंदे लोग नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं पबजी ने ऑटोमेटिक फिश कर दिया हां निकल गए जमीन के अंदर से गाड़ी उन्होंने भी सोच लिया कि मैं अभी टच नहीं दे सकता तेरी सोच गंदी है वो गंदा नहीं बोल रहा ठीक है हां भाई गंदे लोग तेरे जैसे कम का स्पेलिंग अभी भी नहीं आता पता नहीं कौन कौन से इमोजीज भेजता रहता है पूरा साउंडर भेज देता है ये पौधों पे जाते हैं उसे लूट लिया तूने हां सब लूटेड है हां जी सब लूटेड है जमीन से क्या निकालेगा स्टिंगर क्या जमीन से क्या निकालेगा मैं myself का ऐसे
ओए मैंने ओ पापा फूल्स लिखा कौन सी ग्रेड में वो वो थर्ड में है भाई लेकिन उसको इंग्लिश में लिखना ज्यादा नहीं आता है यार हां भाई तू बस गूगल से कॉपी मार तो ब्रो उसको नहीं आता तो उसको करना है ना हाँ वो ट्राई अभी 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 ना मेरे को मेरे मम्मी ने बोला है कि इसको लिखवा ठीक है अभी मेरे को उसके पास बैठ के ना आता एक घंटा लगाना पड़ेगा पांच घंटे लिखने आगे निकल जाओ मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं है बाइक पे तो वो चेक नहीं किया था क्या अरे मिला मेरे को अरे अरे मैं बैठ के उसका फ्यूल चेक करूंगा पहले ब्रो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट फ्यूल अभी 500 मीटर का आया मेरे पे वाह ज्यादा नहीं है बूस्ट मारा बिना कुछ छुपाते जाओ कर क्या हो ना बिना बूस्ट मारे और यहां पे बर्स्ट पड़ी है पर पत्थर में गाड़ी मेरे को बस एक लाइन बता दो माय सर की भाई एक एक ही लाइन बाकी है ब्रो शुरू करो प्रोनाउंस एक्चुअली एक्चुअली बोल रहा हूं प्रोनाउंस से शुरू करो ब्रांड हो गया मिल गई मेरे को दूसरी लाइन एक सेकंड रुकना मैं आया ठीक है ब्रो स्टार्ट विद नी गुजराती फ्रेज या ब्रो नो स्टार्ट विद गेम छो मजा मार लेफ्ट ले लेफ्ट ले लेफ्ट ले लेफ्ट ले मार्क द लोकेशन देख के जरा भाई गंदी वाली गाड़ी सेफ रखे आई गॉट सप्लाइज व्हाट द फक आ जाओ गाइस चलते हैं तू भी M249 यूज कर रहा है स्पीड इधर से स्कॉल मिल जाती है ऐसी जगह से मेरे सामने से रोटेशन हो रही है निकल गए तुम लोग चलो चलो ब्रो निकल रहे हैं ब्रो वो बंदा नहीं निकला बट स्टिंगर पे गाड़ी रखी है ना तूने भाई तो क्या हुआ तो आ गए आ रहा हूं तूने स्टिंगर पे गाड़ी रखी है ना आ गया मैं आ गया सॉरी यार सर डीसी गलीट एक एक्स्ट्रा स्कोप है क्या टीजी राइट से गया था ब्रो हां जाना पड़ रहा है क्या करूं पूरी रोटेशन मार रही है एक बंदा रुक के मार रहा है तुम लोग होते तो तुम लोग उसको मारते तेरे को ही फॉलो करे ना हमको बीच में रुका नहीं है ना ना तुम लोग लेट देख ले ना गाड़ी गाड़ी उठानी है गाड़ी नहीं हां उठानी है जल्दी हो गाइस आ रहा हूं मैं लोग के पीछे अभी उसका फ्यूल मैंने चेक नहीं किया ब्रो सो चेक योरसेल्फ आगे वो पड़ी है कूप उठा देता हूं मैं एक्सीलेंट वर्क मार्क पर यू हिट सिक्स व्हील इन द बुश मोंटे के आगे वाली लेफ्ट हैंड मेरी बग्गी का टायर फोड़ा इन लोग ने बट मैं रिज के पीछे हूं तो तुम लोग जब आ रहे हो ये राइट साइड से आना ओके सर पूरा राइट लेके आना मेरे पे मैं रिज के पीछे बैठा हूं ओके ड्राइविंग बड़ी बेकार है ओ बंदा मेरे पे भाई पीछे बंदा है भाई राइट से यहां पे मैं स्टिंगर पर नोट करने की बात नहीं है ब्रो मोंटे मोंटे के अंदर क्यों जा रहा है ब्रो फिर नहीं मैं कह रहा था सामने चल सामने चल मेरे को पिक करो मेरे पे नहीं है टायर फूट गया मेरा हां पीछे का निकलो तुम लोग स्टिंगर निकल पाएगा उधर से जी लेट्स गो ड्राइव स्टिंगर नहीं हो पाएगा नहीं मेरा पीछे वाला टायर फूटा कुछ नहीं होगा तुम पिकअप कर लोगे तुम आओ बस ये राइट वाला का वेट करते हैं कंपाउंड देख लो ना हार्ड कवर ले लो टीजी में उसको पिक करने गया ना मेरी गाड़ी फोड़ देगा ब्रो बंदा अभी है थोड़ा स्मोक वोक कर लेना स्टिंगर उसके लिए मैं जाता हूं मुझे बग्गी दो आई एम सीरियस ठीक है जो उसकी गाड़ी दूसरी है ना वो शायद स्टिंगर थोड़ा स्मोक नहीं है स्मोक नहीं है नहीं आना
भाई तीन साइड से पड़ रही है मेरे को यार। चले जा भाई चले जा, चलो मेरी गाड़ी छोड़ दी। तीन छोड़ भाई तमाम मैनेज इट। अब मेरे को उठा रहे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। जाओ यार स्टिंगर ब्रो। ओके स्टिंगर पूरा इंफॉर्मेशन दिया ना ब्रो, उधर लेफ्ट में बंदे ब्रो, उधर हिल पे बंदे हैं ठीक है। मेरे को मॉन्टे से पड़ रही है, उसके उसके राइट साइड से पड़ रही है, और मेरे को हिल से पड़ रही है। मेरा तो हैंग टाइट स्प्रे पड़ने वाला है। नीचे नीचे ले, नीचे ले, नीचे ले। बंदे आ गए यहां पे, वॉच आउट। ये यहां पे बंदे आ गए। अबे इधर पे क्यों रोक रहा है मेरे को भाई? ये जो बड़ा वो बंदा है तो पता है भाई, वो घर पे ना भाई, इधर पे बंदे दो बैठे हैं रिच पे ही। क्या स्प्रे मारा? मेरा तो ये सेफ। यस यस हां ठीक है ठीक है। पीछे भी बंदे आ गए उधर से, उस उधर से भी मेरे को पड़ी थी टीजी। वो पीछे M249 चला रहे ना। हेल्प किट फेंक दे टीजी। नहीं है फिर पेरपिट। स्टिंगर सिटी के अंदर तो बहुत रिस्क होता है ब्रो। बैंडेजेस है चाहिए? मोंटे के अंदर से नहीं जाना था। पांच ही है मेरे ब्रो। मैं मोंटे के बाहर से आया था पांच ब्रो। बाहर से तो हम भी हैं, हमें नहीं पड़ी भाई। लेकिन भाई मेरी बग्गी पलटी ठीक है। मेरी बग्गी ना रिज पे लग के ब्रो। गेम के बाद बात करते हैं। गेम के बाद बात करते हैं। कोबे डीजी तेरे पे कोई भी 4x है सही है यार। गलत मार रहा है ये। चलो बैठे रहो, पीक मत करो, बैठे रहो चुपचाप। नहीं कर रहा मैं तो, मैंने मार्क कर दी। कवर टू कवर आके ले लेना। उधर पे आ गया बंदा शैक पे। स्पेड अभी तो नॉक लेगा ना, कोई भी नहीं होगा। हम तेरे को आप पे रिकॉल कर रिवाइव कर पाएंगे। मार्क द लोकेशन, वॉच आउट। वहीं पे मार्क द लोकेशन। हां वो वाला शैक राइट में, क्या लेफ्ट में भी, इधर भी है बंदा। उनको छोड़ो ब्रो, दूसरी जगह भी देखो। हम पे स्लैम आया था राइट वाले से, तो मैं कवर में हूँ फुल। बग्गी को मैं घुमा के रेडी रखता हूँ जब भी निकलना होगा। बग्गी चलाने लायक है क्या हमारी? हाँ हाँ है ब्रो। मैं अभी मैं बताया था ही, क्योंकि उसको इतनी साइड से पड़ रहा था ना फायर। मैं बोला अगर मैं जाऊँगा ना तो मेरी गाड़ी फोड़ देंगे। तभी फोड़ी गाड़ी मेरी। क्योंकि टीजी ओपन स्टिंगर कैसे फंसा था पता है? वो एक डिप थी और डिप के पीछे वो था, और उसके पीछे भी बंदे थे, पीछे से भी फायर आ रहा था, और उसकी राइट साइड से भी। अभी ये आएंगे, ये इधर स्लैम इन करेंगे, ये बंदे स्लैम इन करेंगे भी। अपने पे एच का जोन है, इधर रुको भी। हम ही ना स्लैम इन करेंगे वो इधर मेरे पे। फाइट हो रही है इनकी, फाइट होगी। स्पेड तो इस साइड आ सकता है तो आ जा। तुम दो बंदे वो लेके जाओगे क्या? पता है मेरे को, बट इधर रखना पड़ेगा। बाकी कुछ भी कर लो, अंदर नहीं निकल सकते। शैक में मैं चला जाऊं? नहीं अभी जरूरत नहीं है ब्रो, साथ में जाते हैं ना, कुछ नहीं होगा। अभी वॉक करके जाना है क्या? स्पीड वॉक करके जाना है क्या? वो कहीं नहीं जाना ब्रो, अभी बैठे रहो। इधर इधर बंदे हैं क्या? नहीं कहीं कहीं आ जाएंगे बंदे, बट आ गए तो सीन हो जाएगा ना। अभी खाली लग रहा है ये। या फिर दो जन चले जाओ ना बग्गी पे, बग्गी पे दो जन चले जाओ। तू जा सकता तो जा, अभी मैं शेक ले रहा हूँ आगे वाले। अगर राइट से पड़ रही है, नहीं जा सकते। मेल कर रहा हूँ, बैंडेज भी नहीं है। गाड़ी आ गई, बंदे आ रहे, पड़ेगी इनको। पुश कर रहे बेसिकली।
विनाडो चले गए क्या शैक में? नहीं 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 जा पाया मैं। ये साला इधर बैठा है यहाँ पे। तो मेरे पीछे आके बंदा खड़ा हुआ। Watch out! पेड़ इधर रहो ठीक है मैं। जोन के बाहर हैं वो। दो बंदे हैं उधर दो। और वो चल के हैं व्हीकल नहीं है उनपे। स्मोक कर रहे हैं वो। मैं इधर सुनो सुनो मैं इधर रिच के पास ना एक सेफ एरिया बना के बैठ रहा हूँ। पड़ी उनको। मैं शैक में तो पहुंच गया हूं मैं। Let's see guys what happens. मुझे नहीं पता मैं बहुत गलत तरह से मराठी बोल रहा हूं। From now I will not follow. मैं तो नीचे उनके सांस रोटेशन। ठीक है मैं इनको बोलूं। डिप पे एक जगह मारकर मैं हां यहां पे होती है ना ब्रो ऊपर नीचे डिप्स। मैं वहीं बोलने वाला हूं भाई। मैं डिप में आ जाऊंगा शायद थोड़ा वो ओपन। मैं फंस रहा हूं रोटेशन से। नहीं ब्रो नहीं अब वही रहे। कंपाउंड से पड़ जाएगी मेरे को ऐसा लग रहा है। और होल्ड भी कंपाउंड नहीं लग रहा है ना। होल्ड कंपाउंड नहीं लग रहा है टीजी मेरे को। ये जा भी नहीं सकते ब्रो। हिल वाले फोड़ देंगे गलत फोड़ेंगे। वो हमारी तरफ ही है जब से। हां ब्रो दिस शिट इज ऑन ब्रो। 100 मीटर अपने को जाना है बेसिकली। वही रहे ब्रो और सबसे लास्ट में हम जा पाएंगे। हाँ सबसे लास्ट में ही जाना पड़ेगा। ये हिल वाले खुद कुछ हिलेंगे तभी ना। स्पेड तेरे पे कितना स्मोक है? एक हिल वाले हिल रहे हैं। हिलना ही पड़ेगा ब्रो उनको। हाँ कूपर की आवाज आती है। फुल स्क्वाड इसको नेड कर रहे हैं। तेरे पे छह स्मोक है ना। स्मोक नीचे स्मोक कोई स्मोक है वही आ रही हैं कुछ कर रहे हैं। कौन से कहाँ पे? हम पे ही आने वाले। ये इधर ओपन में बंदा भाग रहा है दिख रहा है स्पीड। एक नेट से नॉक हो गया मेरे फ्री नेट से। ये बंदा है इसका क्लोड आउट। वॉच आउट दिस वे टू द प्ले जोन। मर गया वो भी। हां उसको नेट से मैं उठा सकता हूं मेरे को। हां क्विक बोलो उठा सकता हूं यस और नो। हां उठा सकता हूं अभी रिस्क किया देखो। मारे मारे आजा स्मोक रेडी राइट में बंदा है पता है बट जाना पड़ेगा राइट। स्मोक कर पीछे स्मोक कर पीछे स्मोक राइट से पड़ी मेरे को। और ट्राई करने वाली हर जगह से। एक ही शॉट था क्योंकि तेरी मीटिंग से मेरे पे कुछ नहीं है। पड़ेगी लेफ्ट से पड़ेगी राइट पे रिस्क ले ले उतना ज्यादा भी नहीं। ठीक है ये क्या कह रहा है बंदा भाई। Now it's time to use my own patient skills. मैं बोल रहा तेरे को जोन में नहीं जाना हरामी साला मारे जा रहा है। लेफ्ट से पड़ी है तेरे को। अरे
उसी ने मारा था इधर था नाइंथ पोजीशन भाई 16-15 पता नहीं 16 बंदे थे नहीं भाई 16 ब्रो लिटरली 16 भी 15 मेरा शिट सब सरवाइव कर रहे हैं I'm feeling bad. I'm feeling bad. Let's see. Yes, bro. Hello, what are you? Yes. Okay. Why stinger to the hookah queue, bro? I go pehla question. Kidhar bhai, ye pata pe kahan? Udhar ridge pe, ridge pe. Ridge pe. Okay, theek hai. So, मैं रोटेशन कर रहा था मॉन्टे के पहाड़ से ठीक है मैं था स्पेड के पीछे ठीक है उसके बाद स्पेड ने स्पेड मेरे आगे के निकला स्पेड के पीछे पीछे ही मैं आ रहा था बट मेरी बग्गी एक छोटे से रिच पे ठुकी और गाड़ी पलट गई ठीक है मेरे को पीछे से पीछे बैक राइट साइड से मुझे एकेएम वाले ने मारा मुझे 50 HP कर दिया 50 या 30 HP किया ठीक है मैंने बोला कि मुझे पड़ रही है एकेएम बंदे ने एकेएम वाले ने मुझे मारा मैं आगे आया तब मुझे पीछे M4 वाले ने मारा ठीक है M4 वाले ने जब मुझे मारा तो मेरे बग्गी का पीछे वाला टायर एक फूट गया इट वाज बैक राइट टायर ठीक है जब बग्गी पलटी yes. मोमेंटम खराब हो गया वैसे हाँ और मैं उस वक्त मैं थोड़ा सा खुश नसीब था कि मैं जहाँ पे तू रुका था वो रिस्क पे मैं आ गया था ठीक है जहाँ पे तू रुका था वो रिस्क पे मैं आया बट उसके बाद ए वो M4 वाले ने मेरे पे एम रखा था ठीक है सो इसलिए मैं बोल रहा था आई नीड समबडी टू पिक मी अप ठीक है क्योंकि मेरे पे AKM वाले का एम था प्लस वो M4 वाले का तूने बोला था लेफ्ट में बंदे हैं लेफ्ट हिल ठीक है जो ऊपर की साइड थी ठीक है वहां से मेरे को फिनिश किया ठीक है सो मैं निकल तो सकता ही नहीं था अपनी बग्गी से तो नहीं क्योंकि मेरा पीछे वाला टायर फूटा था आगे वाला फूटा हुआ मैं निकल सकता था ठीक है So, मैं फिर भी मैं ट्राई किया ठीक है मैं ट्राई किया बट ट्राई क्या किया नहीं थे ब्रो स्मोक्स थे ही नहीं मुझे मिले ही नहीं थे मैंने 4 वेयरहाउस लूटे 3 घर लूटे छोटे वाले मुझे स्मोक एक भी नहीं मिला सिर्फ 2 ग्रेनेड मिले थे मैं जब बगी लेके वहां से निकालने का ट्राई किया ना तब मुझे M4 वाले ने पूरा नॉक किया ठीक है नॉक करने के बाद क्रॉल के पीछे आ रहा था पत्थर पे जहां से मुझे अगर चांस होता तो मुझे वो रैप कर सकता था ठीक है मैं पीछे आ रहा था मुझे लेफ्ट वाले हिल से बंदे मारे M16 से मैं फिनिश हूं दैट्स व्हाट हैपेंड अरे स्टिंगर मैं yes. ब्रो बग्गी थोड़ा गलत चला रहा था तू इसी वजह से लो हुआ तुझे पता चला मेन गलती तुझे पता चली क्या थी मतलब थोड़ी ड्राइविंग क्योंकि तू तेरी बग्गी पलट रही थी इसी वजह से हम भी उधर से आए हमें नहीं गोली पड़ी कोई हाँ वही वही पलट रही थी हाँ बग्गी पलट रही थी लेकिन वो छोटी सी रिस थी ना छोटी सी रिस पे मेरी गाड़ी अटक गई छोटी सी पता है ना बग्गी कैसी है छोटी सी रिस पे भी अगर वो पता नहीं भाई क्या होता है मुझे नहीं पता ग्लिच है क्या है उनकी वजह से तुझे उधर जो जब तुझे पहले लो किया था मोंटी में से वही वही क्यों लो हुआ तेरी बग्गी रुक गई उधर हाँ, तभी तू लो गाड़ी बग्गी मेरी पूरी घूम गई ठीक है बग्गी घूमी वो सीन हो गया हाँ, वहां पे अगर मैं लो नहीं होता शायद से बच जाता ठीक है तो इजी बचता ब्रो बट फिर भी भाई मैं नहीं बच सकता था क्यों क्योंकि मेरे पीछे बग्गी का पीछे वाला टायर फोड़ दिया था उसने अगर पीछे वाला टायर नहीं फोड़ा होता ना वही फोड़ा ना वही तभी फूटा ना वो नहीं मैं वहां से निकल गया था अरे तब तक पिकअप के लिए टाइम चलता है ना ब्रो तब तक तो अगर वहां पे तुम नहीं फंसते तो तुम्हारे हाँ। 3-4 सेकंड वेस्ट हुए ना 3-4 सेकंड में तुम कहीं के कहीं पहुंच जाते ब्रो वही मेरा पीछे वाला टायर फूट गया इसलिए मैं बग्गी चल ही नहीं सकती थी स्लो हो गई थी पूरी की पूरी मैं थोड़ी देर के लिए उसे ब्रो बग्गी की दिक्कत आती है तो वो चलाओ ट्रक नहीं फंसता ऐसे
बात सही है, बट क्या करे, बग्गी थी बग्गी मिली वही चलाया मैंने। या तो कूप ही चला लो अगर ऐसा, कूप भाई कूप फिसलती है, फंसती नहीं है, आगे वाला टायर फोड़ो, हाँ आगे वाला टायर एक फोड़ो फिर थोड़ा सही चलती है ब्रो, फिर नहीं इतना दिक्कत आती। सो अगर अगर वो बग्गी वहां पर नहीं होती ना, रुकती नहीं थोड़ी सी, तो शायद से मैं बच जाता। मेरी बग्गी का टायर फूट गया है क्योंकि अभी मिनाटो वहीं था, मैं बोला हाँ 2-3 सेकंड लेट हो गया बस, तब तक मिनाटो ऊपर चला गया था। स्ट्रीम देखी मैंने अभी, क्या हुआ क्या सीन क्या हुआ स्ट्रीम में, वही ना 2-3 सेकंड लेट हो गया बस तू बोलने में कि मुझे पिकअप चाहिए, उतने में मिनाटो ऊपर चला गया, फिर वापस आना थोड़ा दिक्कत था। कोई बात नहीं, तू जा मैं आऊं तू शांति से बात करते हैं। बाकी जोन साला भाई बहुत बिटी वाला जोन था ये, तो चलो जोन में बना लिया भाई, 16 बंदे में 9 टीम ठीक, सारे सोलो सर्वाइव कर रहे हैं ब्रो। मिनाटो ने उठ के देखा भी बंदा साला झाड़ के पीछे छुपा हुआ था भाई। अभी नहीं है ना मैचेस, थर्ड के बाद फोर्थ है अपना, फोर्थ कितने बचे होगा फिर, आई थिंक 9:30-10 आधे 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 घंटे के बाद, आधे घंटे का ठीक है। एक सेकंड भाई मैं आया ठीक है, थोड़ा ब्रो, और आई एम नाइस ब्रो, गाड़ी से कुचला गया ब्रो मैं तो। सच में? हाँ वो पुश कर रहे थे ना तो मैंने प्री नेट कर दिए, 3-4 नेट थे मैंने सारे फेंक दिए। हाँ देखे मैंने, एक नेट उनको एक लो किया ब्रो, एक ने नॉक भी कर दिया था। पर वो साला गाड़ी चढ़ा के ले गया ऊपर से, that was a very painful death. No mastery. भाई ये तुम लोग ये क्या इमोजीज भेजते रहते हो भाई, ये कोई पत्थर वाला भाई, भाई इमोजी मतलब ये इमोजीज का मतलब क्या है, ये इमोजी का इमोशंस नहीं, कौन सा इमोशन है हमें पता चले ना, हम भी यूज करें। इमोजी में फ्रस्ट्रेशन लाइक अच्छा या समझो चिढ़ने वाला, ये ब्राउन वाले इमोजी का क्या मतलब है, ब्राउन मतलब ये ब्राउन वाला फेस भेजा है जो किसने, दशिता ने देख क्या था, ओ ब्रो कौन क्या है वो पत्थर इमोजी, हेलो हेलो, अरे इसका एक और भी कलर होता है कि यही कलर का होता है, ये यही कलर होता है, एंड्रॉइड और आईओएस में सेम होता है बट एंड्रॉइड का थोड़ा फनी होता है, क्या इमोजी पत्थर इमोजी। एक मिनट मैं आईफोन में देखूं कौन सा कलर शो होता है, एक मिनट। अच्छा सुनना टीजे, हाँ ब्रो मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या हुआ? अच्छा सुन, तू रोटेशन करवा रहा है ना ठीक है, उसमें मैं फंस रहा हूँ ठीक है,
मैं फंस रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, ठीक है। सो तू एक काम करेगा, सिर्फ मेरे लिए, सो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, ठीक है। तू बस जगह मार्क कर, ठीक है। आई विल बी देयर, ठीक है, विथ माई ओन रोटेशन, प्लीज। अगर मैं मर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। नहीं, वो तेरी बात सही है, तेरी बात सही है, बट मैं मर रहा हूँ यार। अरे भाई वो क्या बात हुई ब्रो, तुम अपनी रोटेशन करोगे क्योंकि तुम इसकी वजह से मर रहे हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कोइंसिडेंस होते हैं ब्रो। तुम मेरे साथ आ जाओ ना, उसमें बड़ी बात क्या है, तो वो तेरे भेषो कराओ। ओके ओके, डजंट मेक सेंस ब्रो, इट्स अ टीम गेम ब्रो, क्लियर, ठीक है, ओके। अबे भाई तू भाई क्या हो रहा है ब्रो, अरे ठीक है ना, ठीक है, नहीं वैसा नहीं ब्रो, आई एम जस्ट रीथिंकिंग भाई। तो बहुत मालूम है सिंगर भाई, क्या भाई कितना क्यूट है भाई ये, अरे पता है कितना क्यूट लग रहा है इसको भाई। टीजी हां बोलो, तेरे से दूर रहना पड़ेगा। अरे नहीं ब्रो कुछ नहीं, देख मैं तेरे को ना एक 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 फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। मैं मेरी टीम से 1.5 साल खेला हूँ, मैं मेरी टीम से 1.5 साल खेला हूँ, ठीक है। मैंने एरेंगल के एरेंगल का भी कॉर्नर लिया था, ठीक है, मैप का पूरा, एंड मेरा मार के 4 कॉर्नर्स हम लोग कवर कर रहे थे, ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी प्लेन पास हो, डजंट मैटर, हम लोग हमारा ड्रॉप पहुंच ही जाएंगे। और मेरा रोटेशन कुछ ज्यादा ही अलग टाइप का होता था, ठीक है। मैं एजेल था, मैं मेरा रोटेशन पूरा अलग टाइप से करता था। कभी हम लोगों ने स्प्लिट ड्रॉप लिए, स्प्लिट ड्रॉप कभी लिए नहीं है, सो आई एम नॉट यूज टू, ठीक है, स्प्लिट ड्रॉप्स, पहली बात, ठीक है। बट मेरे को उससे कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं सीखूंगा, ठीक है। और रोटेशंस मैं सारे के मोस्टली ना लॉन्ग रोटेशंस करता था, ठीक है ब्रो। मैं भी पहले लॉन्ग रोटेशंस करता था ब्रो, जस्ट आस्क, यस, लॉन्ग मतलब लाइक पूरा ऐसा घुमा के एंड देन गोइंग टू द एंड पॉइंट, आई नो दैट ब्रो। अपनी अभी भी हमारी अपनी अभी भी तो थोड़ी लॉन्ग ही होती है, इतनी छोटी रोटेशन तो नहीं, बट मैंने अभी बहुत रेडीज करी है ब्रो। मैं पहले को पहले हम मैं जब खेलता था ना पूरा इंडिया में, तब मैंने कहा ओनली एंड ओनली लॉन्ग रोटेशंस करी है, वो मुझे मेरे लिए इफेक्टिव लगती थी, ठीक है। मेरे लिए और मेरी टीम के लिए इफेक्टिव थी। देखो मेरे को सुन सिंगर, हाँ। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने जब आईसीएल शुरू किया था, आई स्टार्टेड विद स्मॉल रोटेशन, फिर उसके बाद मैंने जैसे टूर्नामेंट खेलना शुरू किया, मैंने आई स्टार्टेड विद द लॉन्ग रोटेशंस। लॉन्ग रोटेशंस में बेनिफिट क्या होता है, इट्स मच सेफर, और तुम्हें कोई बंदों का वो नहीं होता, एंड देन यू गो टू योर मार्क पॉइंट डायरेक्टली, वो मेरे को पता है। बट द थिंग इज कि जब से ये नया मेटा आया है ना ब्रो, जब से ये पीएमपीएल जोन का उसका, तब से ये लॉन्ग रोटेशंस बिल्कुल काम नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। और ये टूर्नामेंट रूप में हार्ड शिफ्ट होती है ब्रो, लॉन्ग रोटेशंस का पॉइंट ही खत्म हो जाता है। ये पुराना मेटा है ब्रो, अभी नया मेटा है। So I'm not used to this kind of things. ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं है। Bro, man. अरे demotivate क्यों होता है bro? Just ये मेरे खून में है। Demotivation मेरे खून में है। भाई सुन भाई, एक सेकंड रुको bro. तू कौन से रीजन से मारा रोटेशन में? बग्गी फ्लिप होने के। बग्गी फ्लिप होना doesn't make any sense कि तेरा like valid reason नहीं है बग्गी फ्लिप होना। Actually मैं बोल रहा हूँ। बग्गी फ्लिप क्या है ब्रो, कोई भी मारता है उससे, बड़ी बात क्या है, तू बहुत लाइक दिल पे ले लेता है बहुत ज्यादा। यस, फोकस ऑन योर ड्राइविंग स्किल्स। अरे वो भी नहीं ना, मेरे साथ ही आ जा ब्रो, बूस्ट मत करो, साथ ही आ जा, बूस्ट मत करो ना, जैसे जब लग रहा है कि थोड़ा एरिया गलत आ रहा है, बूस्ट छोड़ दो। फंसने से ऐसा है कि थोड़ा स्लो कर लो, मेरी भी पड़ती है गाड़ी की बार, ऐसा नहीं की हर वक्त की मेरा मार, तो मैप ही ऐसा है ब्रो, कहीं भी कहां भी अटक जाती है गाड़ी, पर थोड़ा स्पीड मैनेज करोगे ना फिर सही हो जाएगा। सिंगर तुम स्पीड के साथ बैठना, स्पीड का मतलब मिनाटो के साथ बैठना, मैं उसके साथ बैठ जाऊं, मेरे साथ बैठना, मेरे को कुछ नहीं होगा, मरना ज्यादा पसंद करता हूं।
टोचन देना पड़ेगा भाई से सच में भाई इतना डीमोटिवेशन भाई मैं बोल रहा हूं मेरे खून में है भाई अब ब्रो हिंदुस्तानी भाव को बुलाना पड़ेगा बुलाओ टपा टप टपा देना पड़ेगा भाई स्प्रेड कॉल करो कौन है वो सो रहा है भाई अच्छा कौन है ब्रो हिंदुस्तानी भाव नहीं पता क्या अरे वो तो पता है स्प्रेड का भाव है अच्छा वो हिंदुस्तानी भाव हुआ तो ब्रो सबका ही भाव हुआ ना नहीं मैं कौन सा पाकिस्तानी मैंने तो बोला नहीं कुछ नहीं बोल रहा है तो हिंदुस्तानी भाव मतलब हिंदुस्तान का भाव ओके भाई ओके सर अगर बाय चांस मान लो तुम्हें दिखा कहीं तो मैं तो यही बोलना कि ये भाव है नहीं असली नाम तो तुम्हें पर नहीं पता होगा मैं तो भाई बोलूंगा असली नाम पता है तो भाई बोल लोगे भाऊ बोल लोगे मतलब क्या है उस चीज का एक ही मतलब है ना प्रोनंसिएशन इज डिफरेंट ब्रो ब्रो मीनिंग एंड प्रोनंसिएशन भावना टू डिफरेंट थिंग्स देखी जाती है भाई ठीक है दीस आर टू डिफरेंट थिंग्स ब्रो रोटेशन में मरना और बग्गी फ्लिप होने का मतलब दीस आर टू डिफरेंट थिंग्स ओए राम That's what we are trying to explain. ठीक है भाई. यार रीजन मारा भाई. ची भाई. भाई. कुछ करना भी है अगर ऐसे बैठना है. यहाँ का तापमान रुक जा देख क्या तू. हेलो 26 डिग्री है और बादल छाए हुए हैं ऐसा बता रहे और अब की पदन का तापमान क्या है देख तेरी यहाँ लक्षण ठीक नहीं लग रहे मेरे को ठीक है सूरज निकला या बादल छाए हुए हैं या कुछ तेरा डिटेल में बताओ कब सूरज तो अभी टाइम से निकलेगा ब्रो ओए शायर ना पोल्स पे जैसे ना पोल्स पे 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है अभी उसकी 6 महीने रात चलेगी ब्रो सवेरे में अभी टाइम है ब्रो तो ये शायर बहुत बन रहा है बोलो ना ठीक से कुछ समझ आए मेरे को ब्रो साइंस नहीं है भाई अनपढ़ हूं मैं तो पढ़ाई करो ब्रो क्या गेम में फंसे हुए हो पीजी के साथ कंपटीशन करना है मुझे सही बात है भाई पीजी तो ब्रो 4 साल में डॉक्टर बन जाएगा फिर अच्छा भाई 8 साल ब्रो कौन सा 4 साल 8 साल चलो 8 साल लगा लो 4 ईयर बैचलर्स 4 ईयर मेड स्कूल देन 2 इयर्स रेसिडेंसी 34 हो जाऊंगा भाई मैं आधा बूढ़ा हो गया अच्छा हो गया भाई तेरा बहुत गलत है ब्रो डॉक्टर के साथ तो क्यों करता है हैरान है देना बट पैसे के लिए कौन कर रहा है ब्रो इट्स अ पैशन अच्छा ओ बंदे चीर सर्जन बनने का ब्रो आपको सर्जन नहीं ब्रो तो पहले का बोलने वाला था डॉक्टर मेडिसिन भाई आई मीन फैमिली मेडिसिन फैमिली मेडिसिन क्या बात है हरामी है भाई ठरकी डॉक्टर बनेगा फैमिली मेडिसिन यानी कि फैमिली की दवाई बनेगा ये नहीं भाई फैमिली डॉक्टर होता है वो जो तुमको ऑलरेडी पता होगा ना कि ये दवाई खानी है वही तुम्हें लिख के दे देगा कि हाँ ये खाओ वही तो और मैं पूछूंगा लास्ट टाइम क्या खाया था मैं बोलूंगा ठीक है वही खाओ घू खाया था और अगर इसके बाद इनके बस की नहीं होती ना फिर क्या करते हैं वील रेफर यू टू द स्पेशलिस्ट बस ये काम होता है ब्रो इनका ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट करवाओ ये कराओ फिर कराओ फलाना ढिकाना वो टेस्ट में ना जब उनको कुछ समझ नहीं आता बस उनका यही आंसर होता है वील रेफर यू टू द स्पेशलिस्ट
स्पेशलिस्ट के पास अगर अपॉइंटमेंट लेनी है 6 महीने बाद का अपॉइंटमेंट, तब तक बंदा सही हो जाता है। सही बात है भाई, क्या एक्यूरेट बोला भाई। तुम भी वही करने वाले हो डीजी? 7 साल से इधर यही फेस कर रहे हैं भाई कनाडा, बचपन से वही कर रहे हैं, इनको उनको रेफर करते हैं इधर उधर। मस्त भाई, ये बैठे रहते हैं क्लिनिक्स वाले। हाँ भी हाँ, वही तो ब्रो, स्टेथोस्कोप लगाया, हाँ क्या हुआ है, सर दर्द हो रहा है, ये लो बस दो ही दवाइयां इनके पास, टैलनोल है एक और एक वो एडविल, दैट्स इट। हर चीज की यही दवाइयां है खांसी, और अगर नॉर्मल नॉर्मल हो ये खाओ ठीक है, तो डेक्विल या फिर नाइटक्विल ले देते हैं, बस ये दो पी लो हो जाएगा तुम्हारा ठीक। बिजनेस तुम समझो, बिजनेस ये लुटेरा ही है साला, इसका बिजनेस ठप करो सर। भाई तुम गुजराती हो भाई, तुम्हें तो बिजनेस का अलग ही होना चाहिए पैशन। हाँ तो है ना, पैशन है सर, पैशन ही है ठीक है सर, पैशन ही है। पर जैसे गुजराती ब्रो इतना दिल छोड़ने वाले होते नहीं है ब्रो, जैसे तुम छोड़ के बैठ जाते हो। हाँ क्या करे भाई, दिल छोड़ रहा है ना, अभी दिमाग तक छोड़ चुके हैं भाई, मेरे को नहीं लग रहा है गुजराती है भाई। हाँ तो मतलब नहीं कि मेरा क्या जाता है, छोड़ मैं मिनाटा को बोलता हूँ, वो बंदा अलग ही बोलेगा जो तू बोल रहा है, ऑपोजिट बोलेगा सर भाई। मैंने जब अब तक जितने गुजराती मिले हैं सब मुझे मिनाटो जैसे ही मिले हैं भाई, एक्चुअली हां भाई। स्टिंगर जैसा तो कोई गुजराती आज तक नहीं मिला मुझे, मैं मेरे को गुजराती मिला स्टिंगर जैसा, सन 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 मेरा ऐसा कोई नहीं मिलेगा ठीक है, मैं तेरे को लिख के देता हूं, मेरा ऐसा कोई नहीं मिलेगा। अच्छा वन एंड ओनली पीस, यस देख मैं ना एक ऐसा बंदा हूं, देख सबसे पहली बात तो मैं भगवान में नहीं मानता हूं ठीक है, नो ऑफेंस ठीक है, भगवान में नहीं मानता हूं जरा भी, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ मानने से, तुम्हें मानना मानो, नहीं मानना मत मानो, मेरा बाप को कुछ नहीं जाता है ठीक है। और दूसरी बात, जो बंदा मेरे साथ जैसा रहेगा मैं उसके साथ वैसे ही रहूंगा, तो इट डजंट मैटर कि वो मेरे पेरेंट्स या कोई और हो। का क्या मतलब, आई विल बी रोमांटिक विद यू देन, इतना ज्यादा भी नहीं ठीक है, तुम भी बोले ना हमारे से सर हो गए, तू देख तो मेरा साथ अच्छे से रहता है, बात करता है ठीक है, मैं भी वैसे ही रहूंगा ठीक है। अगर कोई भी बंदा बिना बात का या फिर कोई भी रीजन हो मेरे से को बुरी तरह से बात करता है, आई विल बी द सेम विद हिम, नहीं ऐसा नहीं, तू जैसा है मैं वैसा हूँ भाई। मैं देख फैमिली के साथ अलग हूँ, अपने दोस्त के साथ अलग हूँ, जॉब पे अलग हूँ ठीक है, पार्टनर कोई है नहीं, बनाना भी नहीं है, खर्चा नहीं करना मेरे को, सो आई एम डिफरेंट विद एवरीवन। ओए ना ब्रो, टेंशन क्यों ले रहा है, ओए यार इसके शौक मेरे को क्यों अलग लगते हैं भाई, मेरे को ये समझ नहीं आता, पार्टनर बोल रहा हूं मैं, एड्रेस भेजो तुम बस। स्पीड स्पीड पता लगेगा ब्रो, ये तो चुप ही हो गया भाई, इसकी तो बोलती बंद होगी, वो बंदा तेरी तरह ही है ब्रो, उसकी शादी नहीं हो रही, वो शादी.com करते रहता है वो नहीं हो रही, अलग ही है भाई वो भी, मैं मिलाता हूँ कभी अच्छा टीममेट था मेरा, लाइफ में बहुत धक्के खाए हैं बे, लाइफ में बहुत धक्के खाए हैं वो, मैं कितने सारे टूर्नामेंट्स खेला हूं पता है, कि कभी क्वालीफायर से ऊपर नहीं जा पाया मैं, क्वालीफायर्स में टेबल टॉप हो जाता है, फिर क्वार्टर फाइनल या फिर सेकंड राउंड में वी आर डेड, सो इसलिए मेरे को बुरा लगता है हर बार जब भी मैं हारता हूं ठीक है, मेरी गलती वजह से मेरी टीम मरती है, मुझे ना वो पुराने दिन की याद आती है कि उस वक्त भी मेरी वजह से मरते थे, आज भी so, वैसा नहीं है भाई, होता है यार नहीं है भाई मेरा सुन सो ब्रो, मेरी वजह से कितने बार होता है ब्रो, लिटरली बोल रहा हूं मैं, दैट्स ओके ब्रो, तेरा चलता है ब्रो, बट जब तुम ना टूर्नामेंट के फाइनल्स में आते हो या व्हेन यू अचीव समथिंग ऑफिशियल ब्रो, ये सब चले जाता है, वही ना तेरे बात सही है, लेकिन आई हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग,
like that. तो करेंगे ना, अब टेंशन क्यों ले रहे हो, साथ में करेंगे. Yeah, I'm fine with that. Bro, मेरे भी ऐसे ही छोड़ देते वाले. Then ESL came, हम finals में गए. It was a next level feeling. फिर उसके बाद और एक टूर्नामेंट हुआ, सोजी टूर्नामेंट का, साउथ नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका था वो. उस पे भी हम फाइनल्स में नंबर टू आए. तो लाइक और एक एक था, क्या था, और एक पीएमसी में हुआ. ये तो हक दिए ब्रो, 3 पॉइंट से सेमीस नहीं है, ये तो हक ही दी. तो ऐसे चीजें हुई. नहीं तो क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ. सो इफ आई एम स्पेंडिंग माय टाइम ऑन समथिंग देन आई वांट इट बैक, आई वांट समथिंग इन रिटर्न. दैट्स व्हाई वी आर ऑल इन द टीम ब्रो. तो ओनली रीजन, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही चीजें घुमा दी है जस्ट टू कीप माय पेशेंस. घुमा दी? यस, काफी सारी चीजें घुमाती है. ठीक है, कुछ दोस्त खो दिए हैं. ठीक है, कुछ अच्छे खासे टीममेट खो दिए हैं मैंने, जिनकी वजह से मैं आज थोड़ा बहुत खेल पाता हूँ. ठीक है, दैट इज ट्रू. बट हाँ, मैंने खोए हैं काफी सारी चीजें, खोई नॉट ओनली टीममेट्स एंड फ्रेंड्स, और बहुत कुछ खोया. आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, बट यस, आई हैव लॉस्ट समथिंग. और कुछ नहीं करना जिंदगी में. छोड़ने वाला था. शिट, बस एक बार फाइनल्स, बस सिर्फ एक बार. दैट्स ऑल दैट एट दैट डे. उस दिन ना, जब वो डे फाइनल डे होगा ना फाइनल्स का, वो दिन मेरा लास्ट दिन होगा गेम का. बस सब कुछ बंद. Classic everything deleted. Nahi. Everything. The game will be deleted. I have successfully achieved my goal and that's it. Then I'll move on with my family. Tab tak ke liye, I'll try. I'll give my time. Everything. Because I'm cutting my sleeping hours to do YouTube. And नींद में पूरी नहीं मिलती है. ठीक है, ऐसे लाइक वांट टू प्ले, जस्ट एक बार ही खत्म हो जाए. वो जो लोग मुझे बोलते हैं ना जब मैं गेम खेलता हूँ कि भाई तेरा वेस्ट ऑफ टाइम है, तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, बर्बादी है टाइम की. तो बस उनको गलत साबित करके बस खत्म. तो बस एक बार गलत साबित करना है कि दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू, बट इट इज नॉट फॉर मी. इट इज माई हॉबी एंड इट इज माई पैशन टू प्ले. सो आई प्ले. इस गेम की वजह से मैंने किसी से झगड़े नहीं किए हैं. ठीक है, मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ अगर मेरी गलती है तो. अगर मेरी गलती नहीं है, मैं कोई भी हद तक चले जाऊंगा, कोई भी हो, खुद को सही साबित करने के लिए. ये एक मेरी, मुझे घमंड है. ठीक है, बहुत घमंड है. कुछ चीजें हैं जो मेरे अलग मैंने आज तक किसी में नहीं देखी है. पता नहीं क्यों, पर मैंने कभी देखी नहीं है. So, yeah, I'm fucking unique.
Nice bro, your dedication. Yeah, dedication नहीं है भाई, और कुछ नहीं है. क्या मालूम है? My college is going to start in 10 days, literally 10 days. मेरा Monday से start हो रहा है. गलत लगने वाली है bro college शुरू में. मुझे तो ये नहीं पता मैं कॉलेज हट गया उसके बाद मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूंगा, क्योंकि इस बार ही कॉलेज से नॉर्मल से डबल टाइम है. एग्जैक्टली पहले कॉलेज मेरा ना मेरे 2 दिन ही है, ठीक है 2 दिन ही कॉलेज जाना है मुझे, बट जो कॉलेज क्लास का टाइमिंग होता है ना वो डबल है. ब्रो मेरा रोज जाना है एंड उस पे भी 2-3 दिन मेरे को शाम के 6-7 बजे लाइक व्हिच इज 8 और 9 पीएम एंड एंड देन उस पे भी सारे क्लासेस जो मेरे कोर्स सेमेस्टर 1 के हार्ड है बहुत. स्टैटिस्टिक्स है और स्टैट्स इजी है, स्टैट्स इतना ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा तेरे को, तो आई एम प्रीटी श्योर होता है. या बट जितने मैंने बंदों का सुना है ना वो सब बोलते हैं स्टैट्स बहुत हार्ड होता है ये वो ये. अगर तेरे कैलकुलेशन और तेरा फोकस अच्छा होगा ना तो तेरे एक भी तेरे ना मतलब कैलकुलेशन तेरी गलत नहीं आएगी. You just have to be precise and focused on what you are doing, what you are counting. That's all is needed on statistics. That's what I have learned in 10th and 12th. I was only good on statistics. ठीक है. Oh. Yes. I mean, मैंने भी लिया है 12th में, but you know, it's not as good as college one. मेरा सबसे ज़्यादा weak होना तो क्या है पता है? Probability. दिमाग ही नहीं चलता है. कितनी बार सीखा होगा प्रोबेबिलिटी, पूरा पूरा चैप्टर मैंने 8 या 9 बार सीखा होगा फिर भी साला मेरी प्रोबेबिलिटी नहीं ही सही आती, कभी भी हो कुछ भी हो नहीं आती. यही मेरा सबसे वीक पॉइंट है प्रोबेबिलिटी, बाकी मैं कुछ भी ट्राई करके सीख लूंगा. हाँ थोड़ा टाइम लगेगा बट सीख लूंगा. आईडी पास आया क्या? पता नहीं बहन मेरे पास कहाँ से होगा. नहीं अभी तक ठीक है तो यहाँ मेरा ऐसा ही सीन चल रहा है. you know मेरा जैसा इंडियन पेरेंट्स को होता है फैमिली प्रेशर. यस आई नो दैट्स द सेम थिंग आई एम फेसिंग एंड इवन विद दैट आई एम डूइंग माय जॉब फुल टाइम सो इट्स काइंड ऑफ रियली टफ फॉर मी ब्रो. मेरी तो जॉब ही नहीं है ब्रो फुल टाइम, लाइक मेरी जॉब ही नहीं है लिटरली, मेरी जॉब समर जॉब हो गई. नाउ आई एम लाइक फ्री. Yes, you are free. Like, you know, they're gonna ask, "What are you doing? You don't even have a job, study." Yeah. Mm-hmm. At least you can say that you are studying. You are studying 5 days in a week, so that is good. That is good. At least you are not sitting at home. At least you are not sitting home without food. Without doing anything, eating with your friends, parents, money. Yeah. So, that's good. At least you're doing something. That's why, bro. Basically. So yeah. That's why you know all of this. In conclusion, I don't have like a reason to keep playing this game. To be honest. Because mere sare jo jo dost the na, bro. Sare like 95%. सारे निकल गए ब्रो, सारे कोई सारे निकल गए मतलब गेम छोड़ दी दैट्स द होल थिंग इन एनए ब्रो.
स्टार्टिंग में कितनी मजा आती थी ब्रो, इतने हर कोई आता था, हर कोई विन के लिए तो ब्रो तरसते थे, देन अभी इतना गंदा हो गया सीन। दैट्स व्हाई NA का वर्स्ट चीज यही है ईस्पोर्ट्स की, हर चीज में ईस्पोर्ट्स का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक PUBG मोबाइल का ईस्पोर्ट्स नहीं है ना। नहीं ब्रो तुम उसका भी ले लो, फॉर एग्जांपल फोर्टनाइट का ईस्पोर्ट्स ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, नहीं है ब्रो, तुम यूरोप को कंपेयर करो उसका आधा के आधा भी नहीं है। NA का कुछ अलग ही सीन है ब्रो, या तो पॉपुलेशन कम है या तो एनकरेजमेंट नहीं है इधर। यस दिस पीपल्स आर स्टबर्न होते हैं बंदे अपने, कितना भी बोलो करेंगे अपना जो करना। हाँ इंडिया में, पर यहाँ पे नहीं ना ब्रो, अंडर प्रेशर रह के करेंगे कि अंडर प्रेशर, लेकिन खुद का ही करेंगे, खुद का हाँ करेंगे तो वो बात नहीं मानेंगे, ठीक है ठीक है हाँ। बोलेंगे फिर भी अपना करेंगे। यहाँ पे अलग है ब्रो, यहाँ पे लाइक ऑफलाइन इज मोर इनकरेज्ड हियर देन ऑनलाइन। या दैट्स एंड दैट इज ओके भाई, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है इट इज ओके। या हर किसी के अलग-अलग चॉइस होती है, उनको उनको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। पहले से यहां पे फुटबॉल ज्यादा चलता है, NFL चलती है, NFL भी फुटबॉल ही है शायद से। या फुटबॉल चलता है, बास्केटबॉल चलता है, या बेसबॉल भी चलता है, हां सॉकर। सो दे प्ले अ लॉट ऑफ फिजिकल गेम्स, सो खेले हुए मैं जब इंडिया में था, इवन अचीव्ड लाइक टू स्टेट लेवल मेडल्स इन कराटे। यस दैट्स गुड, यहां पे आके एटलीस्ट वे वी स्टेट मेडल, मुझे तो वो वहां तक जाने के लिए भी मना कर दिया था। मैं 8th स्टैंडर्ड में था, आई वाज मुझे टेकवांडो के क्लासेस दिए जाते थे, ठीक है, नॉट ओनली मी बट पूरे क्लास को 8th में। सो फर्स्ट टेस्ट होता है वाइट बेल्ट का, ठीक है, एंड वाइट बेल्ट के साथ हमें एक यूनिफॉर्म खरीदनी होती है टेकवांडो के लिए। सो उसके लिए 500 रुपीस देने थे मुझे अपने इंस्ट्रक्टर को, ठीक है। मैं और मेरे बाकी के तीन दोस्त हुए थे सिलेक्ट, ठीक है, दैट मीन्स हम चारों को सर ने बोला कि तुम 500 लेके आना, तुमको व्हाइट बेल्ट एंड कॉस्ट्यूम दिला दूंगा। मैंने घर पे बात की, मम्मी पापा ने मना कर दिया, ठीक है, कि नहीं अपने कोई सपना आगे नहीं जाना है। मैं तो उसे फिर जब नेक्स्ट क्लास आना सर का, मैंने बोला कि मना कर रहे हैं, सर ने बोला कोई बात नहीं तू ट्रेनिंग तो ले सकता है। मैंने ली विदाउट यूनिफॉर्म, मैं येलो बेल्ट के लिए भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है, बट वो येलो बेल्ट की एग्जाम देनी थी मुझे टेस्ट दूसरे स्कूल के लड़कों से फाइट करके, ठीक है, अगर मैं उसमें जीतता हूँ तो फिर मुझे येलो बेल्ट मिलेगा, इफ नॉट देन नहीं, और वो फाइट यूनिफॉर्म के बिना नहीं हो सकती थी। और मैं अकेला नहीं जाना था, मेरे बाकी के जो तीन लोग थे वो भी सिलेक्ट हो चुके थे, सो वो सब तो उनकी टेस्ट मैं ले नहीं सकता हूँ, ठीक है, कि उन लोगों को भी फाइट करनी है। तो मैंने फिर से घर पे बात की, बट फिर मना कर दिया। देन उसके बाद भी सर ने मुझे ट्रेनिंग दी, ग्रीन बेल्ट तक की ट्रेनिंग दे दी मेरे को, ठीक है, बट फिर भी घर पे किसी ने कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस दिया नहीं। फिर मैंने सर को मजबूरी में बोल दिया कि सर दैट इज इनफ, अब नहीं सर, तो मैंने बस वहीं पे छोड़ दिया। क्या वो इंस्ट्रक्टर मेरा काफी अच्छा था, उनका नाम मुझे याद नहीं अभी, बस ये कुछ 6-7 साल पहले की बात है। आई नो
सो मैं यूएस आके ट्राई कर रहा था एंड देन मना कर दिया पूरा ब्रो. इधर कंपटीशन भी इतना अच्छा है, होता है यार, होता है. आई कैन बिकम समथिंग हियर एक्चुअली एंड खत्म मना कर दिया हो गया भाई. देन टेक्वांडो से पहले मुझे डांस का शौक था. डांस में मैं अपने कह सकते हैं सिटी बोल दे या फिर विलेज या सिटी लेवल का था कंपटीशन, ठीक है. उसमें सोलो डांस किया था मैंने. उस वक्त मैं थर्ड आया था. लाइफ का मेरा सबसे पहला थर्ड प्राइस था, जस्ट थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड कोई और ले गया. ही वाज माय फ्रेंड, दोस वर माय फ्रेंड्स, बट स्टिल एटलीस्ट आई वन थर्ड प्राइस. तो वो मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था. बस उसके बाद मुझे डांस भी छुड़वा दिया मेरे पेरेंट्स ने. देन टेक्वांडो में आगे बढ़ा, वो भी छुड़वा दिया. ये रहता है, बट कभी कभी लगता है बड़ा के कुछ करने नहीं दिया, ऐसा लगता है. बट कोई बात नहीं, जो हो गया उस पर बदल नहीं सकते हैं. एक सेकंड रुकना जी भाई. आईडी पास ही नहीं ना. हाँ ना बेसिकली ब्रो. यही है ब्रो. मैं 9th ग्रेड में इधर आया एंड यहाँ पर मेरे घर स्कूल के करीब ही आईटी की वो थी क्लासेस. मैंने पूछा बहुत बार, मना कर दिया एंड देन 10th में भी पूछा, मना कर दिया एंड देन आई गॉट इनटू कॉम 10th के स्टार्टिंग से शायद. तब से शुरू किया कॉम्पिटिटिव. या एंड वो भी मेरे फ्रेंड्स ने लाया मेरे को. वो उसमें भी मना करते थे ब्रो, वो बहुत मना करते थे. पता नहीं मैंने कैसे सर्वाइव किया. ओके अभी नहीं मना करते, 12th से मना करना छोड़ दिया मैंने. मेरी कुछ बहुत अलग स्टोरी है. मैं गेम को जब मैंने फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया ना, तब मैं 11th में था, ठीक है. सारे क्लासमेट्स न्यू थे, मेरे सिर्फ चार दोस्त थे जिनके साथ मैं 9th से था साथ में. अच्छे खासे दोस्त बन गए थे जो मेरे अभी भी दोस्त हैं, जिनको मैं एक्चुअल फ्रेंड बोलता हूँ. जो मैं जब भी बोलू ना कि मेरे को मदद चाहिए, सब कुछ छोड़ के मेरी मदद करने आते हैं. वो दो दोस्त हैं मेरे आज भी हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है. And that's all friends I have. उनको मैं actual friend बोलता हूँ, जो मेरी मदद करता है कुछ भी जरूरत हो और मैं उनकी मदद करता हूँ. It's the same thing. So वो दोस्त थे और बाकी के और दो दोस्त थे, हम पांच जन थे उनको मैं जानता था. एक दिन ये सब बात कर रहे थे, ठीक है, कि PUBG के बारे में बात कर रहे थे. So मैंने पूछा कि कौन सी गेम है, क्योंकि उस वक्त ना क्लैश ऑफ क्लैंस का बहुत ज्यादा क्रेज था. हां मैं भी था, शिट ब्रो. यस, सो उस टाइम पे क्लैश ऑफ क्लैंस का इतना ज्यादा क्रेज था और स्पेशली मैं मेरे पूरे क्लास में हाईएस्ट नंबर ऑफ आईडीज लेके बैठा था मैं क्लैश ऑफ क्लैंस की. 11 आईडीज ऑफ क्लैश ऑफ क्लैंस, 11. आई वाज ओनली पर्सन होल्डिंग. सारी की सारी मेरी खुद की आईडी, नन ऑफ देम ऑफ एनीवन एल्स. सभी के सिर्फ मैंने खुद बनाई थी सब कुछ. उसमें से तीन आईडी थे TS12, वन वाज 11, अदर थ्री वाज 10 एंड बाकी सारी TH9 एंड 8 मैक्स. सो उस वक्त बहुत ज़्यादा क्रेज था. तो मोबाइल गेम्स में मैं था थोड़ा बहुत, कुछ जुगाड़ भी मैंने ट्राई किए थे, ठीक है, हैक्स लगाने का ऐसा वैसा, बट कभी कुछ किया नहीं, हैक्स कभी काम नहीं आए. देन मैंने पबजी के बारे में सुना, ठीक है, मैंने डाउनलोड की गेम. पहले दिन मैं खेला, मैंने खेला, कुछ समझ नहीं आया मेरे को. मैच में एंटर कैसे करना है वो भी समझ नहीं आया, ठीक है, समझ नहीं आया. मैं बाहर आया, रिसेंट में से गेम उड़ाई, लॉन्ग प्रेस किया, डिलीट, दैट्स इट. पहली बार का एक्सपीरियंस मेरा ये है. देन
उसके दो हफ्ते बाद मैंने वापस से ट्राई किया, ठीक है। सो उस वक्त भी मेरे को खेलना नहीं आया, बट मैंने सोचा कि चलो रखते हैं गेम, रखते हैं। फिर मेरा एक दोस्त नया बना, उसने बोला कि फ्री फायर खेलते हैं साथ में। रात के 11:30 बजे, ठीक है, मेरे पापा मेरे साथ टीवी देख रहे हैं और मैं उसके साथ फ्री फायर खेल रहा हूँ। मेरी मम्मी मेरे बाजू में सो रहे, मेरा भाई सो रहा है, मेरा पापा है, मैं 11:30 को गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, मेरे पापा के साइड में बैठ के, मेरे पापा के फोन में, उस मेरा खुद का फोन भी नहीं था। सो मैंने फ्री फायर सीखी, उसके बाद धीरे धीरे पबजी में आया। मैं मेरे उस दोस्त ने मेरे को सिखाया पबजी कैसे खेलते हैं, कैसे करते हैं सब। देन मैं पबजी में आके बढ़ा बढ़ा बढ़ा, कुछ 3 से 4 महीने में मैं इतना ज़्यादा अच्छा खेलने लगा था कि पूरे स्कूल में कोई भी बंदा देखे ना, मेरे को मेरे इन गेम नेम से बुलाता था, ठीक है। इवन मेरे सर को भी पता नहीं कैसे पता चल गया था। सो वो भी मेरे को कभी कभी पूछते थे, मेरी कंप्लेंट जाती थी नो डाउट, ठीक है, क्योंकि स्कूल में मस्ती कौन ही नहीं करता है, ठीक है। सर ने बुला के भी पूछा, मतलब मेरी कंप्लेंट आती है तो पूछते कि तेरे को ये नाम से क्यों बुलाते हैं। मैं अभी मैं ऐसा तो बोल नहीं सकता कि सर मैं गेम खेलता हूँ इसलिए बुलाते हैं। तो ऐसा सब भी होता था, पूरे स्कूल में फेमस हो गया था। देन मुझे इन गेम, ठीक है, उस वक्त मैंने मेरा चैनल का सबसे पहला वीडियो डाला था, मैंने उस वक्त मेरा चैनल का नाम था वुल्फ गेमिंग नाम था मेरा चैनल का। मैं रैंडम उसको ढूंढ ढूंढ के टीम बना रहा था कि कोई मेरे साथ खेले, ठीक है, एक प्रॉपर स्क्वाड बनाए। सो उस वक्त मैं न्यू था गेम में, मेरे पास कोई गन स्किन्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था, नॉट M4 की कैमो तक नहीं थी मेरे पास, ठीक है, सबसे बेसिक है, बहुत बेसिक है, वो भी नहीं थी मेरे पास। मैं ढूंढ रहा था, मुझे एक बंदा मिला आसाम से, एक बंदा मिला मेरे को कोलकाता वाला, एंड देन एक बंदा मिला मेरे को दिल्ली का, ठीक है। सो उन लोग के साथ मैं खेला थोड़ा, थोड़ी बहुत चिकन डिनर किए, एक एक वीडियो मैंने हाई किल्स वाला शूट किया, कुछ 7 या 8 किल्स थे मेरे अकेले के। उस वक्त कुछ ज्यादा ही हुआ करते थे, वो कोई 20-25 किल नहीं कर देता था उस वक्त। मैंने वो वीडियो डाला, देन एक बंदा वो टोटली ऑफलाइन चला गया, आया नहीं 1-2 हफ्ते के लिए। फिर मैंने सोचा कि लाओ रैंडम में कोई और एक बंदा ढूंढता है। मैंने ढूंढना शुरू किया, मेरी टीम में एक बंदा आया स्पाइडी नाम का, ठीक है। अभी उसको मैंने अपना टीममेट क्यों सिलेक्ट किया था वो मैं तेरे को पता, तू हंसेगा। उसके पास वो रेड हेलमेट की स्क्रीन है, पता है, रेड वाली जो अपने को फ्री में मिलती है 2 या 3 लेजेंडरी पे, वो स्किन थी उस पे, इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट किया था एज ए टीममेट। अच्छा, उस पे वो हेलमेट की स्किन थी तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। मैंने उसके साथ खेला, थोड़ा थोड़ा खेला, उसने मेरे को सिखाया, हमारी फ्रेंडशिप बढ़ी, उसने मेरे को इतनी सारी चीजें सिखा दी। हम लोग के सिनर्जी, जब ये सिनर्जी आई ना, ठीक है, तब मेरी और उसके 7700 के आसपास थी सिनर्जी। हाँ, हम लोग उतना ज्यादा साथ में खेलते थे। उसने मेरे को बोला, हम लोग साथ में कुछ ऑफिशियल टूर्नामेंट्स देखते थे, जब मॉर्टल वो लोग ना पहली बार वो ट्रॉफी जीते थे, कौन सा था वो पता नहीं। सो उस वक्त मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि हम लोग भी ऐसा खेलेंगे, तो पहले उस वक्त मैं मजाक समझा था, ठीक है, मेरे को कुछ पता नहीं था स्पोर्ट्स का, कुछ भी नहीं, ठीक है। आईडी पास आगे लगता है मेरे को, आगे आईडी पास आरंभ स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, आरंभ गेम में बताता हूँ मजा। देखो गाइस, थोड़ा
बातचीत रहेगी ठीक है बस। ये तो पूरी लड़कियों की टीम है। गाइस मैं लाइव सीन पे शिफ्ट कर रहा हूं। ओके गाइस सो हां दैट इज ट्रू के मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था इवन अभी भी है ठीक है ही इज कह सकता कि वो मेरा काफी कुछ ज्यादा ही अच्छा इन मतलब एक गेम के थ्रू जो एक फ्रेंड होता है ना वो वैसा वाला फ्रेंड बन गया था ठीक है सो यस यू आर सो गुड। आज ही मतलब कभी कभी वो याद आता है ठीक है कि उस वो जो खेलता है उसने जब मेरे को सिखाया उसने जब मेरे को टीच किया कि कैसे क्या करना चाहिए उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ ठीक है। अगर उसने कुछ नहीं सिखाया होता तो मैं नहीं होता यहाँ पे दैट वाज अ गुड फ्रेंड दैट आई हैव गॉट फ्रॉम अ गेम यस दैट इज ट्रू दैट इज फकिंग ट्रू ये बात सच है। सो I want that kind of friend. I actually want that kind of friend. Yeah. Yes, successful in his life. उसकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफें थी कोई सोच नहीं सकता है बट थी ऐसी तकलीफें आज भी है। उसने मेरे को मोटिवेट किया कि क्या करना चाहिए डॉट में गए मैं तुम्हें बताऊंगा अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर से उससे बात करूंगा ठीक है। हालांकि मैंने आज तक उसका फेस नहीं देखा है ठीक है
स्कैम हो गया, प्योर स्कैम हो गया। टीजी भाई स्कैम हो गया बे भाई, इतना खरीब आके इतना would you like to tell the quote again? So close yet so far bro. भाई मैं बोल रहा हूँ तुम एक दिन रखो स्पेड की रातें, नेक्स्ट लेवल हो रो। ठीक है चलो रखते हैं, पर पैड कोई पर काम आगे नहीं बढ़ा। अरे भाई नेक्स्ट लेवल हैपन राइट देयर कंटेंट ब्रो, के वाला कंटेंट। भाई अपने बंदे गोस्ट ही हो जाते हैं भाई, टोटल गोस्ट बता रहा हूं ब्रो। मैं बोलेगा ऑनेस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूं, ठीक है मेरे को मेरांटो का गेम प्ले ठीक नहीं लगा। मेरी बात सुन सुन, मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूं ठीक है। यू आर द लीडर, यू आर द आईजीएल, इट्स योर डिसीजन। मेरे को मेरांटो से ज्यादा मारियो का गेम प्ले अच्छा लगता है, भले मेरे को मरवाता है उसका मेरे को डाउट नहीं है। बात बोलो मेरांटो का गेम प्ले अच्छा है बट उसमें टीम प्लेयर वाली फील नहीं आती bro, on an individual level he might be better than any of us, yes but nahi hai uska problem wo pata hai humko zyada, but mere ko abhi tak usse jo feel aati hai na bro, apan chan 13 mein tg spell mario and me, I think that was a good team, theek hai mere hisab se agar main hu to koi aur theek hai, but you three guys are good. Abhi jana kidhar hai bro, we're be going both draw. See used to you. हेलो ब्रो गुड, इधर आते हैं स्प्लिट ड्रॉप लेते हैं, इधर किधर ये नहीं अभी। हां ओके या ब्रो, मेरे को मैं बोलने वाला था बट या मैं देखो मैं आई प्लेड विद यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने स्प्लिट के साथ खेली, जो फील आती है ना ब्रो लाइक टीममेट वाली, हां लाइक ही गॉट माय बैक समथिंग हैपेंड, हां हां वही वही वो नहीं आती मेरे को, बोला अभी तक नहीं आती। वो अच्छा खेलता है बट मेरे को ठीक नहीं लगता, बट मेरे को मारियो का गेम प्ले अच्छा लगता है, मेरे को मरवा देता है, मुझे बहुत गंदा लगता है, गुस्सा आता है, ठीक है बट फिर भी साइन कर लेंगे ब्रो। मारियो मारियो इज अ गुड प्लेयर ब्रो, मारियो मेरा ओल्डेस्ट टीममेट है भाई। तुम तीनों के सिनर्जी मेरे को लगती है, बाकी का पता नहीं, पर तुम तीनों की लगती है। पेड़ का क्या है, पेड़ मेरे दोस्त के साथ खेलता था, सो उसकी सिनर्जी मेरे दोस्त के साथ थी और मेरी सिनर्जी मेरे दोस्त के साथ। एक्सीलेंट वर्क, इनडायरेक्टली तेरी सिनर्जी उसके साथ होगी, ये किस्मत कनेक्शन हो गया ब्रो। हाय हाय क्या बात है, किस्मत भी बड़ी कुत्ती चीज है ना। सही बात है ब्रो, बिल्ली चीज है भाई, कुत्ता मिल गया भाई, हमें वो भी नहीं मिला भाई। बाय द वे दो बंदे आ रहे हैं ना फिर, मैं देखी जाएगी मैं, नहीं मेरा लॉल हो गया, मैं तो वो उतर गए पहले कब का, नहीं उतरते ना ब्रो उधर, तू एक मिनट होल्ड करेगा मैं आ रहा हूँ तेरे पे गन लेके। यार शॉटगन मिली इधर से, गन मिल जाती ना तो मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई गाड़ी लेके आ रही है, किधर है, हेल्प करो। नहीं वो तो वो लूट रहा है, वो तो नहीं गाड़ी लेके आ रहा है, एक नहीं नहीं उधर ही रुक गए, गाड़ी में उठा के आ रहा है वो। अरे नहीं चल के आ रहा है वो, चल के आ रहा है, भागो भागो नूब, गाड़ी छोड़ के चल के आ रहा है भाई, क्या आदमी है ये। टीजी
भाई मेरे को उठाने आ स्टिंगर भाई आ रहा हूं अभी उसने गाड़ी उठाई अभी उसने गाड़ी उठाई जल्दी स्टिंगर जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ चले गए भाई चले गए यार तुम्हारे पीछे नहीं आ रहे अबे हम पे ही आ रहे हैं भाई अरे नहीं आ रहे भाई कैटिन क्यों नहीं आ रहा अबे कैटिन नहीं आ रहा इधर ही है बंदे वो अभी भी उस कंपाउंड पे मेरा कैटिन लेफ्ट में कब से हुआ एक्सीलेंट वर्क अभी चेंज कर रहा हूं मेरे को यही बोल रहा हूं मेरे को भी उठाना ब्रो ये कैटिन लेफ्ट में कब से हुआ ग्लिच हो गया इसको ग्लिच शिफ्ट चलो अब राइट में आ गया कैटिन लेट मी अप जब बात लौटे You saved my ass, Stinger. I got your ass tonight. मैंने अपनी ass down दाव पे लगा के तेरे को बचाया है. Down payment पे रखी है मैंने ठीक है. जरा नीचे ले आऊँ. क्या? थोड़ी मजबूरी है नहीं तो I am not sitting with Stinger. ले. While he is driving. ले. ये भाई. जा भाई जा तू भी क्या याद रखेगा भाई. ओए. नहीं start ठीक. Okay हाँ. पूरा बोला कर हां भाई तुम गाना गाया करो तैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई भाषा भाषा का क्या ये ओ भगा यहां रुकना नहीं यहां पे भगा सामने सामने भगा ही रहा हूं बूस्ट पे भाई बूस्ट पे भाई पूरा भगा तेल मंगाता मैं जमीन चीर के तेल निकाल रहा हूं हां 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 चाहिए ना आगे लेंगे आपको ये सीन याद है क्या भगा तावड़े वाला क्या ए गाड़ी स्टार्ट कर सीन तावड़े वाला भगा तावड़े हां हां याद है कौन से पिक्चर का है याद नहीं है पर मैंने देखा है हां सिंगम का होता है हां भाई मैंने लूटा नहीं है भाई क्या कर रहे हैं मैं भी शॉटगन नहीं है भाई यहां पे रुक ले यहां पे लूट लेते हैं ना अभी किधर जा रहे हैं ब्रो हम पता नहीं भाई यही लेके जा रहे हैं तुम लोग लूट लो ओए मेरे पे ये विल नेटिव स्किन का भाई सीक्रेट लिया मेरा तो तुमको नहीं पता ओ भाई नेक्स्ट लेवल ऐसा हमें रोके क्या फायदा भाई जिसको खुद को ही पता नहीं है मैं हूं है कि नहीं है भाई ब्रो ये लो नस क्या भाई जिसकी नस काटनी थी ब्रो मीम नहीं था ब्रो उसका लालू की फोटो लगा के लिखा ई लो नस काट लो अच्छा भाई मैंने नहीं देखा भाई कौन से मूवी मैंने भी देखा भेजा कर भाई भेजा कर नहीं देखा सच में नहीं देखा नहीं देखा मैंने भी देखा बहुत पुराना मीम है ये तो कौन सा नया है हम भी तो नए हैं मैं पुराना लालू का तो पता होगा ना आपको लालू 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 प्रसाद यादव का तो पता होगा ना हां वो तो पता है देखा है उसको मैंने उसका उसने बोला था वो तो वो मीम बन गया था उसने किसी को बोला था मीडिया में और वो मीम बन गया था इसीलिए कहते हैं मीडिया से और लड़कियों से बच के रहा करो कौन दे रहा है एडवाइस ये कौन दे रहा है भाई एडवाइस जो बंदा दोनों चीजों से कोसों दूर है नहीं नहीं गलत हो गया इस बंदे से वो दोनों चीजें कोसों दूर हैं समझे वही तो कोई भी क्लिप नहीं करेगा ठीक है बेइज्जती हुई है मेरी आई नो नॉर्मल है नो क्लिप्स फिंगर तुम्हारे लिए बग्गी पड़ी है ब्रो टारगेट कर रहे हैं क्या Yes. हाँ भाई नहीं अभी एक्विजिशन लेके आएंगे हम फिर से स्टिंगर की स्ट्रीम भेजेंगे हाँ ये अच्छा बहाना है साला स्ट्रीम देख लो तुम लोग व्यू आ जाए मेरा एक दो भाई वो स्ट्रीम पे पता है 100 के ऊपर व्यूज है इसकी पहली बार पहली बार भाई ओ मेरे 450 व्यूज तक जा चुके हैं ठीक है हां से भाई ग्रेटिट्यूड नहीं है देख लो आगे से ओए क्या है भाई स्कैड भाई स्ट्रीमर्स देखते हैं क्या करते हैं भाई वो अपने व्यूअर्स की कदर करते हैं ब्रो
अरे बग्गी कौन ले गया यहाँ से? कौन हो सकता है? लड़का लगता है। That was for Stinger. Good morning. मेरे पर नेट नहीं है। Bro, things for Stinger, things for me are basically the same. Because Stinger is with me. Okay. We both are meant to be together. बिल्कुल अच्छा साउंड नहीं कर रहा यार टीजी and it's legal as well here bro so you guys are good ओए अब तो मेरी चॉइस नहीं है ना तो मेरी तो है ना तेरी तेल लेने चाहे थे भाई तेल ब्रो कुछ और लेने तुम बस हाँ हाँ बोलो ना हो जाएगा नहीं करना मैं क्यों ना बोलूं गलत टीम में आ गया था मैं इंक्वायरी कर लेंगे सीधी मेरे को तुम टीम में क्यों बताओ ना तुम्हारी स्ट्रीम पे प्रोफाइल लगी थी तुम्हारी नाउ यू नो द रीजन ब्रो या समझा नहीं मैं लेकिन चलेगा तू ब्रो डू यू नो काउच कास्टिंग वाला सीन दैट्स व्हाट हैपेंड विद यू समझो नहीं जाना ना मेरे को सच रहना था ना अनजान यू आर द लकी वन ओह यू शुड बी हैप्पी यू हैव लगता है नेम चेंज जल्दी करने का ना फायदा यही है टीम में जल्दी रहते हैं वही और ना मैं ऐसे ऐसे लड़कों को नहीं मिलता ब्रो ब्रो यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू व्हाट समझ रहे हो ना टीजी हां डायरेक्ट टीजीस हार्ट समझ रहे हो एंड अ पार्ट साथ नहीं दे रहे मेरे से इतना एक्साइटेड है देखा मैंने बोला था ब्रो डोंट चोक हिम टीजी आई विल ब्रो टुनाइट ही कैन ब्रीथ माय स्टमक ब्रो साले कुत्ते हराम खोर ब्रो तो खुद बोल रहा है कि आई कांट ब्रीथ वही तो अटक रहा है गले में नीचे नहीं उतर रहा है ये ऑलरेडी इमेजिन कर रहा है क्या होने वाला है इसकी बातें लवड़े सोचो मेरी बातें इतना अटक रही है ब्रो सोचो तो he mentioned it भाई नहीं, 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 बहुत कुछ अटकने वाला है आज खून खराबा होने वाला है मैं कसम से इन लोग को अभी 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 अफसोस हो रहा है सब गलत टीम में आ गया अब इंक्वायरी कर लो गैस खत्म हो गई इट्स सिंगर है मेरे पास गैस का है सिंगर तुम्हें पता है मेरे को कितने लड़कों ने पूछा सब मैंने सबको नहीं बोला अच्छा तेरी पसंद लड़के हैं तो तेरे तूने तेरे प्रोफाइल में लड़की का फोटो क्यों रखा है ये बता पहले ऐसे ही फेक करने के लिए लड़के नहीं मिलते ना हां तो मत किया करना तुम आ गए ना ए यार अब हम तुम्हारी रखेंगे प्रोफाइल मैं मेरा लोगो दूंगा तेरे को ओए मैंने फ्यूल भरा इतना ही फ्यूल छी बे जल्दी आ जाओ गाइस तुषार एक्टर ब्लॉग हाय ब्रो कैसे हो वेलकम टू द स्ट्रीम तुषार यस ब्रो वेलकम वेलकम भाई ये ब्लॉगर हैं क्या बात है हाँ डालता नहीं है ब्लॉग लेकिन ब्लॉगर है नहीं भाई इसके चैनल को ना सब्सक्राइब कर ही लिया दैट्स व्हाई यस ये भी सपोर्टर है अच्छा वाला नाइस जब मेरे स्ट्रीम पे ना पहला सपोर्टर आया था ना तो पहले ऐसा लगा कि साला मेरे जितना बड़ा यूट्यूबर कोई नहीं है भाई हंसना था ब्रो नहीं हंसना नहीं था बट तो लगा था मेरे को अच्छा सही है ना 160 सब्सक्राइबर बन क्या ये आया था पता नहीं कितने 70 या फिर 75 सब्सक्राइबर्स पे आया था ये बट अच्छा गाइस सपोर्ट किया इसने इज अ गुड पर्सन प्राउड ऑफ यू स्टिंगर या द अमाउंट ऑफ प्रोग्रेशन यू हैड विद योर कैरेक्टर एंड विद योर फिजिकल बॉडी I'm really proud of it. Tushar bhai iska vlog bhi banna chahiye. Guys, tumhari zarurat hai idhar jaldi ho. Aa raha hu.
सिंगर गाड़ी उठा ए है मैं दूसरी ले रहा हूं ट्रक अभी तेरे को आना है तो आ जा इसमें इसमें फ्यूल फुल ले आ जा इसी में आ जा वो छोड़ दूसरा भी अभी गेम पे ध्यान देते हैं उसके बाद बात करेंगे ठीक है सर नहीं अभी होके हो गया स्वैट स्पीड डेट बता देना हम आ जाएंगे राइट हां कसम गुस्सा बहुत है लेकिन कंट्रोल कर रहा हूं उससे क्या बात है खुशियां ही होंगी अरे यार कितना गंदा भाई रोना आ जाएगा मेरे को ऐसे अरे भाई फर्स्ट टाइम रोना आता है फिर उसके बाद यू विल गेट यूज्ड टू इट वॉच आउट क्लियर है फिर है बंदे वॉच आउट उधर आ सकते हैं बंदे इसलिए मैं ठहरा इधर एक बंदा हिल पर रुको दो बंदे कंपाउंड पे चले जाते हैं दैट विल बी गुड इफ यू वांट चले जाओ ना क्यों रुके ओके बाय द वे सामने सिगरेट जली है काफी सारी मैं कंपाउंड पे जा रहा हूं मेरे को थोड़ा कवर दे देना ठीक है जाओ 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 मरना नहीं है मुझे जल्दी ओके आई एम लुकिंग एट द कंपाउंड इट्स क्लियर क्लियर कंपाउंड पूरा लूट ले वैसे मेरे लिए लूट लो उसको फर्स्ट एड एमओ देखता हूं कुछ नहीं करता बस्टर्ड है यहाँ पे स्पेड मी गोइंग ओके ओके किंग द फर्स्ट हेड यू कैरी द लेफ्ट साइड लेवल टू बस्टर आई गॉट सप्लाइज नहीं भाई पूरा हार्डशिप ले रहे हैं उस साइड ठीक है व्हाट द एक्चुअल फक ब्रो कौन से टाइप का हार्डशिप लेवल है ये चलो ओए पूरा पिकाडो भी दिस इज एनए ब्रो यही है स्टिंगर हार्ड शिफ्ट्स नहीं अबे इंडिया ऐसे भी खराब होते थे बहुत बहुत ज्यादा टूर्नामेंट रूम्स में भी बहुत नहीं तो तकलीफ है यार ये 1.1 1.2 जोन स्ट्रिंग होता है ना उससे में दिक्कत आती है नॉर्मल वाला रखो ना दैट इज गुड एंड बेटर स्टिंगर क्या गाड़ी बोल गया थोड़ा जान दे क्या जानते हैं नहीं जानते दिक्कत होगी आगे निकल आए ब्रो अभी वापस नहीं जा सकते कोई नहीं ठीक है कोई मिली तो ले ले वैसे भी हमें ऑलमोस्ट पिकाड़ो के अंदर ही रहना पड़ सकता है आई गेस या पर डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते हां हां भाई भाई सारे टीम उधर ही होंगे अभी पड़ रही है पीछे से ओए अब एक आधी और पड़ी ना उतर जाना हाँ यहाँ जोन है एच का इधर ही रुक सकते हैं ब्रो गाड़ी हमारी फूट गई है रुको रुको उधर ही रुको मेरे पे मत आओ मेरे पे मत आओ नहीं आ रहे मैं बस रुक के देख गाड़ी गई हमारी गाड़ी गई हमारी ठीक है इट्स टोटली गॉन पर पूरा बंदे है इधर वॉच आउट नहीं उधर नहीं है वॉच आउट तुम लोग चिल करो कोई नहीं दो गाड़ी चाहिए थी स्टिंगर हां यार हां ब्रो बहुत मुश्किल है तुम्हारा एक बंदे को पिक करके ले जाना अगर आपकी बग्गी सेफ है बाद में नहीं मारेंगे ब्रो ये लोग मारेंगे ना मेरे को अरे इधर ही बैठे भाई रास्ते पे कोई गाड़ी दिख रही है देखो नहीं नहीं ब्रो अभी रास्ते में कुछ सकते नहीं हम क्या मैं एक बंदे का रिस्क ले सकता हूं
लेके अभी होल्ड करो ना, अभी होल्ड करो ना, अभी जोन मैं अभी होल्ड करेंगे, अभी नहीं की बात नहीं कर रहा, मेरे मार्क जो है लेके जा, उस पेड़ को लेके जा, मेरा देखता हूं ठीक है। नवीन अभी तो नहीं कर सकते, थोड़ा वेट करने पड़ेगा। वो मैं देख लूंगा, इट्स ओके, स्पीड को लेके जा। स्पीड यहां पे बना है, लोकेशन वॉच आउट। इधर से हम आए ना, उस तरफ देखते रहना स्टिंगर। ओके दो बंदे घर में। ओके ओके मेरा मेरा मार्क मेरे जोन में है, एज जोन है उसका। तुम लोग फुल स्मोक कर सकते हो जहां से मैं उठाने वाला हूं। स्प्रेड स्मोक कर सकते हो? कर रहा हूँ, आ जाओ थोड़ा और कर दो। मार रहे क्या स्मोक कर रहा हूँ? मेरे को मार रहे हैं, उनका फुल मेरे पे ही है। स्प्रेड जल्दी आओ, लो कर दिया, स्प्रेड आओ जाओ। उसको लेके आ, मैं उसका हां मैं उसका टिंगर स्मोक करना फुल कर रहा हूं। फुल स्मोक, फुल स्मोक, फुल स्मोक, फुल स्मोक, फुल स्मोक। स्टिंगर स्प्रेड की जगह पे आओ, जल्दी आओ। आ गया हूं, आ गया हूं, आ गया। आजा ब्रो, जा 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 जा, छोड़ स्प्रेड, सरवाइव करो। एक नॉक कर दिया है, शिट ब्रो आ जाता थोड़ा रिस्क लेके। मैं नहीं, उसने मेरे को लो कर दिया भी, कोई बात नहीं। पता है ब्रो, अगर तू स्प्रेड्स की साइड पर रहता ना, होल्ड कर गया हो गया था। मैं कवर दे रहा था, कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, छोड़ो। मैं शायद से क्रॉल करके आऊंगा, आई एम स्टिल इन जोन, नेवर पॉसिबल। हो गया, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कोई इधर रिज पे भी है, आ गए हमारे। होएगा ब्रो, अच्छा चांस है। हग दिया को, पूरा हग दिया, दैट वाज बेड बन गए हम लोग। हां सर, कहां पे बैठा है ये? इधर आगे वाली रिज पे। मेरी गलती है, इस बार भी मेरी गलती है, दैट इज टोटल माय फॉल्ट दिस टाइम। ये वे कोई कर रहे थे तो सारे होते चिल करते हुए। इधर कोई नहीं, स्प्रेड चिकन। व्हूप्स सॉरी अबाउट दैट, पीछे ही रहता हूँ, आगे तो नहीं मारेंगे साले। भाई क्या सुन रही है ब्रो, आई थिंक वी कैन गो लेफ्ट। तुम लोग लेफ्ट साइड पे जाओगे ना? बंदे बंदे बंदे, स्प्रे है बंदे, लेफ्ट में बंदे। तुम लोग को पिकाड़ो के अंदर वाले मार जाते हैं, एंड में जाते हैं बंदे वाले। हां एंड में पुल अप करेंगे ब्रो, वॉच आउट। फुल बंदे उधर स्मोक है, फुल सारा कुछ इधर डिप में भी है। मेरे मार्क पे कोई है ब्रो? नहीं ब्रो, रेड पुश कर दिया यार। मेरे से किट ले लेना ब्रो, स्मोक करके उठाना ब्रो। आपके मार्क में सब बंदे हैं इधर, ठीक है? मेरे स्किल नहीं हो सके उतना, एज के लो। तुम्हारे आगे इधर डिप में बंदे हैं,
और लेफ्ट जाओ वहां पीछे बग्गी तुम्हारे पीछे बग्गी है बिचेस ब्रो भाई एक हार्ड शिफ्ट नहीं आया हम पे जो ब्लूगर वाला गाना सुन हेलो जी जब तू स्पेड को लेके जा रहा था तो वो फुल ओपन आ गया था ठीक है तो ब्लूगर पे जो स्पेड ने बाकी के जहाँ पे बंदे हैं ठीक है वहाँ पे एक्चुअल में दो तीन बंदे थे तो दो तो थे ही तो एक बंदा पूरा ओपन में आ गया था एक बंदा ना पीछे घर से फायर दे रहा था ठीक है जो बंदा ऊपर में आया था उसको हाँ बट घर वाले को तूने नॉक कब किया हुआ था जब मैं नॉक हुआ अभी नहीं नहीं सुनो अभी क्या हुआ वो बोलता हूँ पूरा मैं मेरे को बोलना था मैंने स्प्रेड को उठाया स्प्रेड की लोकेशन देखी वो उसके पीछे वो जो जली हुई गाड़ी के पीछे स्प्रेड हाँ, हाँ, वो लोकेशन अच्छी थी अगर तू वो सेम लोकेशन में बैठता मैं जल्दी आके उठा के लेके जाता और कवर भी था ब्रो उधर और क्यों पता है स्प्रेड कैसे बचा ब्रो क्योंकि घर ना रोड के नीचे थे नीचे की साइड पर रोड के तो मैं जैसा स्प्रेड को रोड से ले आ रहा हूँ उनके लिए व्यू उनका गंदा हो रहा है और कि वो हमको स्प्रे नहीं मार पा रहे दिस वाज द थिंग ब्रो अगर तू लाइक एटलीस्ट वहां बैठ के रहता ना ब्रो मैं तब का तो एक तुरंत निकालता ले लेके जाता था मैं तू स्प्रे को लेके जाना था ना तो मैं पूरा कवर देने में ध्यान था ठीक है मैं सोचा ही नहीं मैं बिल्कुल नहीं सोचा सो मैं तू स्प्रे को लेके जाता मैं उस पूरा वो घर पे स्प्रे दे रहा था और जोन ऐसा कटता है ब्रो भाई एक हार्ड शिफ्ट चाहिए था एक ओनली वन एक हमेशा आता है ब्रो एटलीस्ट आता है ऑपोजिट इस बार नहीं आया शायद से एंड में ऑपोजिट आ जाए दैट कैन पॉसिबल हो सकता है इट्स पॉसिबल हां अभी शायद हिल पे आ जाए वो जहां पे वे हम थे ना उधर ही आ जाएगा पर एक साथ तीन हार्ड शिफ्ट्स हो गए ना तीन के दो तीन वैसे ही समझो तो तीन तो हो गए हाँ तीन हार्ड शिफ्ट्स हुए एक साथ पहला हार्ड शिफ्ट हुआ हम वो कोने में रुके आप ऊपर रुके दूसरा हार्ड शिफ्ट हुआ जब हम जोन में ले गया जहाँ पे ये मरा स्टिंगर तीसरा हार्ड शिफ्ट ये था लगातार तीन हार्ड शिफ्ट हो गए इसका कोई पैटर्न नहीं होता ना कि तीन हार्ड शिफ्ट लिए हैं एक दो हार्ड शिफ्ट लिए फिर उसका ऑपोजिट नहीं पैटर्न होता है एक्चुअली इसका मैंने कहीं पे तो सुना था ऐसा कि जब 1.2x जोन स्विंग होता है ना तब कुछ दो हार्ड शिफ्ट एक साइड होते हैं और एक ऑपोजिट होता है उसका मैंने शायद जैसे कहीं पे सुना था या फिर पता नहीं क्या मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारा क्या होता था ESL और PUBG में दोनों में भी बिकॉज़ वो Tencent के डायरेक्ट रूम्स होते हैं उनके तो उसमें क्या था नॉर्मल जोन बनते हैं फिर कभी भी बन सकता है हार्ड शिफ्ट जब एक हार्ड शिफ्ट जाएगा ना तो लाइक एकदम खतरनाक जाएगा हार्ड शिफ्ट फिर जो सेकंड हार्ड शिफ्ट होगा वो वन ऑफ द एंड जोन्स में होगा सेकंड हाफ जब वो हार्ड शिफ्ट होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ऑपोजिट के ऑपोजिट फिर उसके बाद गेम वैसे ही चलते रहेगा फिर और एक बार और एंड जोन्स में लास्ट एंड जोन्स में फिर हार्ड शिफ्ट होगा एक बार तो हमने ऐसे ही किया था हमारा और प्लेन पाथ का जो प्लेन पाथ के हिसाब से जोन बनता है वो भी मैंने पूरा
रीडिंग कर ली थी उसकी खेलते खेलते कि जहाँ पर से प्लेन पाथ खत्म होता है वहाँ पे जोन बनने का 50% चांस है और जहाँ से शुरू होता है उधर से 10% चांस है जोन बनने। ये पूरा पैटर्न वो पूरा चल रहा था। अब वही ना वो नॉर्मल जोन स्विंग था बट यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं 1.1 रख रहे हैं। 1.1 इज द टफेस्ट वन क्योंकि उसमें जोन शिफ्टिंग किसे को नहीं पता होता है। नहीं इट टोटली बेस्ड ऑन लक। 1.1 इज नॉर्मल नहीं 1.1 ही नॉर्मल होता है ना। नहीं हमारे पास 1.1 नॉर्मल है एनएम में तुम कुछ भी अच्छा? ले लो पीएमसीओ में हम 1.2 से खेले शायद या हां पीएमपीएल सेटिंग 1.2 होती है ना शायद। हां 1.2 में 1.2 में खेले हम। 1.2 is okay, ठीक है 1.2 में कुछ predictable है, ऐसा मुझे लगता है, but 1.1 is tough. नहीं, it's nothing like that bro, it's just your thinking, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. 1.1, 1.2 are the same shit, it's just you have to keep up with the zone, you have to be super fast, that's it. Okay. The faster you rotate and take a place in zone, the much better you place in PMCO. Mm-hmm. अभी अभी कोई मैचेस है? नहीं अभी हो गया। अभी हो गया ना? ठीक है, so मेरे को एक बंदा चैलेंज कर रहा है, ठीक है, चैट में, so रूम M24 के लिए, so जाओ और मार खाओ, ठीक है? ओके चलो, बाय बाय गाइस, ठीक है भाई, चलो बाय बाय, बाय बाय, बाय, सायोनारा, ठीक है भाई। एक और बार डालते हैं चलो दिख नहीं रहा है तो क्या है इट्स 555-3903-5022 वो देख मैंने एक एक तेरे को एक प्यार से सलाह देता हूँ मैं तो स्टार्टिंग 5 इज एक्स्ट्रा ओके ठीक है चल अबे कट नहीं हुआ and it 2 is extra okay take a pro take Faizan king to mujhe ye chauthi bari challenge de raha hai theek hai tj 1 second zara 1 second ruk mere ko usse baat kar lete theek hai tu mere ko chauthi bar challenge de raha hai चौथी बार में तेरी आईडी ये ऑन स्ट्रीम खोल रहा हूँ दो बार तूने पहले तीन बार पहले दिया है मेरे को दो बार मैंने तेरे सामने स्ट्रीम पे खोल लिया है तेरी आईडी ठीक है तेरे सामने टाइप किया है मैंने ठीक है इनफैक्ट मैंने चैट में तेरे को मेरी भी आईडी लिख के दी थी तेरे लिए मैंने अपना रूम कार्ड भी मैंने वेस्ट किया था ठीक है सो उस दिन भी तूने क्या बोला था कि तू मेरा रूम ज्वाइन नहीं कर पा रहा है ठीक है भाई So, उस दिन के बाद से तू मेरे ये जो बॉटम लेफ्ट में देख रहा है मैंने कुछ लिखा है कुछ इंग्लिश में लिखा है अगर तू इंग्लिश पढ़ा हो तो ठीक है इट इज कॉल्ड पबजी मोबाइल ग्लोबल ठीक है सो देख मुझे तेरे पे गुस्सा आ रहा है ठीक है नो डाउट कुछ हद से ज़्यादा आ रहा है ठीक है तू यहाँ पे आके फ्लेक्सिंग कर रहा है ठीक है तू कर ठीक है तेरे को जितना कमेंट देखा नहीं देखा मेरे कोई दिक्कत नहीं है तू चैलेंज करने के पहले ना जिस बंदे को चैलेंज दे रहा उसके बारे में पूरा जान तो ले ठीक है तू सीधा आके बोल रहा है रूम M24 माय आईडी लिख दी चश्मे पहन लिए
उसके बाद लिख रहा है नूब। मैं हूँ भाई नूब हूँ मैं, तू क्या कर लेगा बता, तू सिखा रहा है मेरे को, सिखा आजा बन जा कोच, तेरे को कोच बनना है तो बन आजा, ठीक है तू तू वैसे अच्छा खेलता है तो मेरी जगह पे तू खेल ले, ठीक है भाई। सो इफ यू आर चैलेंजिंग मी, जो चैलेंज कर रहा है तो अच्छे वे में कर, ठीक है, एक फेयर चैलेंज होता है, कैसे तू अपने ओपोनेंट को गाली देगा कुछ नहीं उखाड़ने वाला, तू गाली देके चैलेंज जीतेगा नहीं, ठीक है, तो उसकी बेइज्जती करके तू जीतेगा नहीं, ठीक है। सो इफ यू आर गिविंग चैलेंज टू एनीवन, बी रिस्पेक्टफुल, चैलेंज तू हारता है तो एक्सेप्ट कर, जीतता है तो तू उसकी बेइज्जती कर, जब तक तू चैलेंज जीतता नहीं तब तक तू तुझे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक, ठीक है। तूने आज तक मेरे से फाइट करी नहीं है, क्या दिस इज लिटरली फोर्थ टाइम मैन, ठीक है, चौथी बारी है ये जो मैंने तेरी आईडी खोली है, ठीक है, और तू हर बार दूसरे दूसरे आईडी देता है, ठीक है, इट सीम्स लाइक तू टॉप 100 में से कोई भी एक आईडी ढूंढ रहा है अपने आप को रिच बताने के लिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे आके चैट में तू आईडी पेस्ट कर रहा है, चश्मे वश्मे पहन रहा है, कुछ कहीं पर तो सींग भी निकल रहे हैं, ठीक है भाई। सो सींग और चश्मे बाद में पहनना, पहले थोड़ा दिमाग पहन ले, ठीक है। सो थोड़ा आज वो तू देख, ओवरले मैंने यहाँ पे नीचे ऐसे ही नहीं लगाया है, क्या मेरा चैनल का नाम दिखता है इस साइड और उसके भी उस साइड PUBG Mobile Global लिखा हुआ है, ठीक है, तो यू शुड वॉन्ट दैट। उसके बाद चैलेंज दे, चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं थका हुआ तो मैं नहीं करूँगा, तो चैलेंज दे रहा तो देख के दे, ठीक है, और जीतने के बाद घमंड दिखा, उसके पहले मत दिखा, अच्छा नहीं है ये, ठीक है। सो अगर तू चैलेंज अगली बार दे रहा है, अगर BGM में क्या निकले ना, पक्का सबसे गाली देने से पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है, अभी भी मैं थोड़ा कूल हूँ, सो दैट इज गुड, मेरे को गाली नहीं देनी अभी भी, बट नेक्स्ट टाइम बिना सोचे समझे देखे बिना तू चैलेंज देगा तो गायब है, पेजेंट किंग आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है। सो जो भी कर रहे हैं देखे कर, और फॉर एनीवन एल्स यू कैन ऑलवेज गिव मी चैलेंज इफ यू आर प्लेइंग PUBG Mobile Global और इवन कोरियन वर्जन, ओके, इफ यू वांट टू गिव मी चैलेंज आई एम फ्री, ठीक है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा अगर मैं थका हुआ नहीं हूं तो, ठीक है, ये भी एक कंडीशन है। फैजान भाई आपको कुछ नहीं हो सकता ब्रो, सॉरी, दोबारा ही है, एक तो टेडियम निर्जम पे जाता हूँ, एनी गन प्रेजेंट वन यू वन बी एनी गन टीजी ब्रो, वो BGMI खेलता है उसके बाद ही मुझे चैलेंज कर रहा है, सो दिस इज नॉट गोना वर्क ब्रो, दिस इज नॉट गोना वर्क, BGMI खेलता है फिर भी PUBG Mobile Global खेलने में कोई चैलेंज करना है, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, आई एक्सेप्ट, ठीक है, तू मेरे को मार रहा है, मैं नूब हूँ, ठीक है, आई एक्सेप्ट, बट चैलेंज कर, किसको कर रहे हैं वो भी तो देख ले, वो चैलेंज जिसको कर रहा है वो किस में खेल रहा है वो भी तो देख ले, कौन से वर्सन में खेल रहा है वो भी देखना पड़ता है ना, ऐसे ही चैलेंज कर देते हैं भाई। टीम मैच लेट्स गो,
This is good, man. चैनल एक्सेप्ट कर रहा है इसमें लगे थोड़ी ना कि कोई भी है कि ऐसे ही आए. The blue team has scored for the first time. The blue team is unstoppable. Cover me. Reloading. गॉडल आ जाओ. हाय ब्रो कैसे हो ब्रो. कितने टीजे भरे पड़े हैं. I also learned that we should, when we learn first thing that however, when there's someone is No. TG is a big guy, you know? TG, man. Hey, bro. You said yes and means we are together forever. Nahi bhai, never. As a friend, yes. But if you are talking in another way, we can, cannot. No. Aise marte hai. Aise marte hai tujhe. Isse kya hai? Shaan kiya. The match is over, and the blue team is in the lead.
down. Cover me. The side of the You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Camper B. Wrong, Elaine. एक एम फोर ओनली खेलता है अभी क्या देखते हैं चल मैम करूंगा बाकी बंदे कुछ भी खेलने चाहते हो भाई साहब सी यू टुमारो गुड नाइट ब्रो गुड बाय टीजी गुड नाइट ब्रो सी यू एंड आज के लिए आई एम सो सॉरी ठीक है गेम में ठीक से नहीं आया But I will improve. I hope I will. I want to. Team match. Sorry. Let's go. But I will could say again. I don't know what I can do. Could say again. The blue team has scored for the first time. बॉडी बढ़िया है बाय पिट्टू आराम मिलता है कल यस ब्रो बाय बाय
me. You're about to win! The blue team is about to win! Killing spree for the blue team! Enemy down! Blue team victory! ओके गाइस, सो आज के स्ट्रीम के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा एंड मुझे नहीं पता मैं कल क्या हाईलाइट डालूंगा, ठीक है। सो कल प्रॉब्ली हाईलाइट नहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो उसका रीजन यही होगा कि अभी मेरा पता नहीं मैं क्या करूँगा। I don't know what I will do. मेरे पास कुछ है नहीं डालने के लिए। I have nothing to post. So. I will see what else I can do, okay? But until then, I'll leave. I'll see you on the next morning. Oh, sorry. I will see you on the next stream, the Peculiarity. So take care, stay safe, bye-bye, and thank you so much for watching. Have a good day, bye-bye, good night. See ya, and good morning, whoever this morning is. Bye. Bye.